अवार्ड्स में पिछले 4 साल से बेस्ट एक्टर अवार्ड करण खन्ना ही ले जा रहे हैं, तो इस बार क्या होगा? क्योंकि इस बार उन्हें तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं आर्यन खान। पिछले 4 सालों से करण खन्ना टेक्स द ब्लैक लेडी होम, ऐसा क्यों? दिस ब्लैक लेडी इज वेरी प्रेशियस टू मी, मैं किसी दूसरे के हाथ में इसको नहीं दे सकता। गाइस आई नीड टू थिंक, सॉरी। कांग्रेचुलेशंस ब्रदर। थैंक यू सो करण, तुम आ रहे हो ना मेरे बुक लॉन्च पर? अरे ऑफ कोर्स, योर फैमिली यार, आई विल डेफिनेटली बी देयर। जितना मैं चार्ज करता हूँ उसे डबल चार्ज करना। आई नो ही इज फैमिली बट आई डोंट गिव अ शिट अबाउट फैमिली। यू गॉट दैट? श्योर। जैकल और हाइड वाला एक्ट, इट्स स्केरी करण। ओह दिस इज नथिंग, ये एक्चुअली मेरा एक्ट नहीं है, आई बोरोड इट फ्रॉम समवन। नाउ शी वाज फकिंग स्केरी। कब वो रियल थी, कब वो फेक थी, कभी पता ही नहीं चलता था। ट्रस्ट मी, आई एम नथिंग कंपेयर्ड टू हर, नथिंग। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ उस कामयाब आदमी की, जिसके पीछे एक औरत खड़ी थी ताकि वो उसके पीठ में छुरा ठोक सके। आई वॉज अ इडियट। जो टिप्सी मेरे साथ करने वाली थी मुझे दिखाई भी नहीं दिया, क्योंकि जब इंसान रोशनी की तरफ कदम बढ़ाता है उसे आगे वाले अंधेरे का एहसास ही नहीं होता। क्या करें आप? मैं चेक कर रहा हूँ कि ये मंगलसूत्र मजबूत इनफ है कि नहीं, नहीं तो तुम फिर से भाग जाओगी। डोंट वरी, इस बार मैं कहीं भाग के नहीं जाऊंगी। अगर भाग भी गई, यू आर लीगली बाउंड टू मी, मैं हक से तुम्हें वापस ले आऊंगा। आप इनसिक्योर हो इनसिक्योर? हाँ हो रहा हूँ, आई डोंट माइंड एडमिटिंग इट। प्रॉब्लम ये है, मेरी सारी जिंदगी आई हैव ऑलवेज लव्ड माय सेल्फ द मोस्ट। मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए और कोई नहीं हुआ है, एंड यू हैव कम एंड चेंज्ड एवरीथिंग। यू नो व्हाट, यू ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट मी। व्हाट अबाउट यू? देश की आधी लड़कियां मरती हैं आप पे मिस्टर खन्ना। लुक एट द लेवल ऑफ कंपटीशन आई एम। आई डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ दोस गर्ल्स, मैं इस पर मरता हूँ, इन बालों पर। जलन होती है यार, दे आर ऑलवेज टचिंग योर नेक। एंड यू नो व्हाट आई एम जेलस ऑफ? व्हाट? योर स्वेट। शी स्वेट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बिकॉज़ इट्स ऑलवेज स्टिकिंग टू यू। बट वन थिंग आई एम नॉट जेलस ऑफ इज योर टोन। इसका मैं कुछ करूंगा, आई प्रॉमिस यू। एक्सरसाइज शुरू, टोन कम। एक मिनट, आप इसे टोन नहीं कह सकते मिस्टर खन्ना, बी अ लिटिल मोर रिस्पेक्टफुल। तो क्या आदरणीय टोंद कहूं, इसका नामकरण करना चाहते हो? नहीं नहीं, मैंने इसका नाम ऑलरेडी सोचा हुआ है। क्या? कुंफू पांडा। हद होती है यार। सो मिस्टर खन्ना एंड कुंफू पांडा, फॉलो मी। यू आर इनटू थ्रीसम्स? आई डिडंट नो दैट। हां, अभी आप मेरे बारे में जानते ही कितना है मिस्टर खन्ना। ये क्या कर रही हो? टू बिगिन विद, मैं बेड के लेफ्ट साइड पे सोती हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बीच में सोता हूं। तो फिर मैं कहां सोऊंगी? अरे मेरे ऊपर, मैं ह्यूमन मैट्रेस हूं तुम्हारे लिए। लेकिन फिर भी मैंने टिप्सी की एक एक बात सुनी, गलती की मैंने। पियक्कड़ तो पहले भी था लेकिन हार्टलेस नहीं था। ये इंसान जो आपके सामने खड़ा है कस्टम मेड में टिप्सी है। अब मैं पियक्कड़ भी हूं, हार्टलेस भी हूं, कुछ लोग कहते हैं वुमेनाइजर भी हूं, लेकिन एक बात और, I am fucking successful. आज की तारीख में मुझसे बड़ा स्टार नहीं मिलेगा। सर, आपकी फिल्म की सैटेलाइट राइट्स के लिए हमने जिनसे बात की थी, वो लोग आपसे मिलने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं। करण खन्ना से मिलने के लिए हर कोई डेस्परेट है। What is the big deal in that? तो
पिछले 5 सालों में 6 फिल्में सुपरहिट हुई। हर कोई मेरी कहानी का हिस्सा बनना चाहता है, हर आदमी मेरी किस्मत चाहता है और हर औरत मुझे चाहती है। करण खन्ना, यू स्लेप्ट विथ माई गर्लफ्रेंड यू बास्टर्ड। वो कल रात से घर नहीं आई है। After I slept with her, I promised I sent her home. तो वो रात पर घर नहीं आई तो मुझे नहीं पता कि तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ चली गई। तेरा मैटर है, तू ही सॉल्व कर। But it may have been the driver. मुझे हमेशा उस पर शक था। Women, you never trust them. They're all fucking backstabbers. Go ask her. Don't ask me. I'm busy. लोग हर चीज के लिए आपको ब्लेम करते हैं क्योंकि आप इतने इंपॉर्टेंट हैं और इतने सक्सेसफुल हैं कि सब कुछ आप पर ही शुरू होता है और आप पर ही खत्म। आई लव करण खन्ना। जब मेरे फैंस, ये भीड़, ये लाखों लोग मुझसे जब ये सब कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो तब भी लगता था जब वो एक औरत मुझे आई लव यू कहती थी। मुझे विश्वास दिलाया था कि वो हर मेरे बुरे अच्छे टाइम में साथ देगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, वो तो मेरे से भी अच्छी एक्टर निकली। Excuse me, doctor. Mr. Karan Khanna is here. Could you please send me over there? I think मैं अपनी वाइफ से कंसल्ट करना चाहूंगा। Mr. Khanna? Why you here? You okay? हाँ हाँ हाँ, इतनी घबराने वाली बात नहीं है, देख लो। इतनी घबराने वाली बात नहीं है तो ये फिर टेस्ट, ये सारे रिपोर्ट्स, ये सब ये हेयर फॉल? आप यहाँ हेयर फॉल सॉल्यूशन के लिए आए? अरे इस इज अ जोक? हाँ? अरे मार क्यों रही हो यार? इसलिए मार रही हूँ बिकॉज़ यू मेड मी फील लाइक इट्स एन इमरजेंसी। मेरे लिए हेयर फॉल इमरजेंसी तो है, कम ऑन यार। आई डोंट बिलीव यू मिस्टर खन्ना, बिहेव योरसेल्फ फॉर गॉड सेक। देख रहे हो डॉक्टर, Are you seeing? मेरी कोई भी बात सीरियसली नहीं लेती है। Next time you do this, Mr. Khanna, मैं सॉरी बहुत ना आपके। देखो करण, ये हेयर लॉस जितना छोटा प्रॉब्लम नहीं है। जो हादसा तुम्हारे साथ 5 साल पहले हुआ था, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो फिर उसी हालत में पहुंच सकते हो। I know doctor, I know कि कोई छोटी बात नहीं है। उसे मेरी सारी जिंदगी बदल गई। इसलिए तो मैं आपको हर हफ्ते यहाँ पर बुलाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हादसा हुआ मैं सारी जिंदगी उसको भूलूं नहीं। डॉक्टर हूँ तुम्हारा, तो मैं सिर्फ वार्न कर सकता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैम, मैम आप कहाँ जा रहे हो मैम? करण कहाँ है? सर ट्यूसडे 5 to 9 बिजी होते हैं मैम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनका फोन क्यों ऑफ है? शेफ, इनको पीछे के रास्ते से बाहर ले जाना। सॉरी डॉक्टर, लोग देखते हैं तो बातें करते हैं। आइए सर। कौन है ये और अंदर कैसे आने दिया? तुमको पता नहीं है कि आज के दिन मैं किसी से नहीं मिलता? What is going on here? Sorry sir. Hi. Who the hell are you? Sanam. What? आपकी मूवी की हीरोइन हूँ मैं। Oh. This nude natural look without makeup, it doesn't suit you. It's looking like shit. Anyway, what do you want? We were supposed to go out for dinner. But we just went out for dinner 2 days ago. But aap hi ne to kaha tha ki aaj. Let me tell you what the problem is. Kya hai na, I have a medical condition. It's called fuck-off-itis. Agar main kisi bhi ladki ke saath ek baar se zyada dinner ke liye jata hu ya chit chat karta hu to mere muh se sirf fuck off hi nikalta. Tumne already aaj 2 mistakes kar liye. Firstly, you invited me for dinner. Secondly, you've invaded my private space. So you need to get the fuck out of my house. Karan, leave my hand. Get the fuck out of my house. Zoya, chit chat ke liye free ho aaj? किसने मेरा मूड खराब कर दिया? वाओ करण, क्या हो गया तुम्हें? आज तुम बहुत अच्छे मूड में थे। जब भी मेरा मूड खराब होता है मैं हमेशा अच्छे मूड में आ जाता हूँ।
डिनर खा के जाना. No thanks. I need to chat. अभी अभी चैट कर तो ली. और कितनी चैटिंग करना चाहती हो? दो बार चैट कर ली बिस्तर टूट जाएगा तुम्हारा. करण, I need to talk about film dates and not us. Okay, बोलो. फिल्म प्रमोशंस के लिए मुझे 10 दिन तुम्हारे एक्स्ट्रा चाहिए. Not possible. Contract is finished. It's only 10 days. तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? कर सकता हूँ. Of course कर सकता हूँ. 10 दिन तो क्या, मैं तुम्हारे लिए 20 दिन भी अरेंज कर सकता हूँ. But you know what? अगर मैं ये करूँगा तुम्हारे लिए, और फिर मैं भी चाहूँगा कि तुम मेरे लिए कुछ करो. And this cycle will go on and on and on and on till that day comes जब मैं तुमसे कुछ expect करूँगा, लेकिन तुम मुझे let down करोगी. या तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करोगी एंड आई विल लेट यू डाउन. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट मेस. सो लेट्स नॉट गो देयर. यू आर नॉट गेटिंग द 10 डेज. क्या हो गया तुम्हें करण? मैं तुम्हें 5 साल से जानती हूं. तुमने ऐसे तो कभी बिहेव नहीं किया. आज तो मुझे जानना है 5 साल पहले क्या हुआ था. तुमने इसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया. कैसे टूटी तुम्हारी शादी? हाँ, जो इंसान अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, अपनी बीवी के साथ जीता था, वो आज लड़कियों को मिसयूज करता है, प्यार से डरता है, इतना एटीट्यूड. हाँ, यू डोंट केयर बिकॉज यू आर स्कैर्ड टू केयर. दैट्स व्हाट इट इज. दैट इज एनफ. लेट मी गो. नो, मैं नहीं जाने दूंगी. तुम्हारे सारे रिलेशनशिप्स यूज एंड थ्रो वाले होते हैं. तुम अपने कजिन को मैनिपुलेट करते हो, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते हो. इतना एरोगेंस, इतना कोल्ड बिहेवियर. क्या हुआ था तुम्हारे साथ, आज मुझे जानना है. मेरा अच्छा वक्त चलता है. Tipsy ने भी ये फिल्म देखी and she liked it. I think it's going to be a big hit. What do you think? तू nervous है? Of course मैं nervous हूँ यार. But you know what? I can't explain it. But I have a feeling कि ये मेरी सबसे बड़ी हिट होने वाली है. I don't know why. I'm just getting that kind of a feeling. यार तो तूने अभी भी तानपुरा बुलाता है. तो और क्या बुलाऊं यार. दिल मेरा कह रहा है मुझे जीने सजा तू ख्वाब सजा ख्वाब सजा. Oh my God, Mrs. Khanna, marriage really suits you. Really, Mrs. Khanna? No Tanpura, no Nagarjuna, no Tirumalai Express, Mrs. Khanna? अब से मैं हमेशा तुम्हें Mrs. Khanna कहके ही पुकारूंगा. Because I want everybody over here to know that you're Mrs. Khanna. ठीक है? और ये मंगलसूत्र थोड़ा obviously पहनो ना, छुपा के रखा है तुमने यार. Yes, that's more like it. ऐसे ही पहनना. Happy? आप करें फोटो शूट. सॉरी जस्ट सेकंड. ओके लेट्स डू दिस. ओ माय गॉड, हियर कम्स चिपकू एक्सप्रेस. कम ऑन. वो हाय सोया बॉम्बे फ्राई. करण खन्ना को अपनी हॉटनेस को कैसी दिखा रही है. मेरा प्लीज प्लीज काम डाउन. पार्टी चल रही है तो शोर मत मचाओ. ऐसी करेगी वो. दीदी पतियों पे शक करना बहुत ही हेल्थी होता है. एक्सरसाइज शक. एक्सरसाइज शक पतियों पर? वो सिर्फ मेरी पत्नी है. ओके टिप्सी जाना जाना. दीदी दिस इज जोया. She is the CEO of Moving Pictures. Hi, Dr. Nagarajan. I really like your work. क्यों? 3 हफ्ते में आपने करण खन्ना जैसे कमिटमेंट फोबिक इंसान को लवर बॉय बना दिया. Hats off. आप लोगों की लव स्टोरी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि MBA करने के बजाय अगर मैं डी एडिक्शन का काउंसलिंग कर देती तो बेटर होता. But seriously, thank you so much for coming. Really looking forward to signing a contract with you. अरे me too. Actually, my wife has proven very, very lucky for me. और कल देखना ये फिल्म कितनी बड़ी हिट होने वाली है.
करण खन्ना की नई फिल्म श्रद्धम रिलीज हुई है। करण खन्ना इस फिल्म में लगभग एक साल बाद दिखाई दे रहे हैं। फैंस को उनसे बहुत उम्मीदें थी, पर क्रिटिक्स की माने तो ये फिल्म इस साल की सबसे घटिया फिल्म है, क्योंकि ना तो इसमें कोई प्लॉट है ना कोई स्टोरी। डायरेक्टर हिरानी के साथ ये उनकी तीसरी फिल्म है। करण खन्ना ने ये फिल्म क्यों साइन कर ली? करण खन्ना तो इस फिल्म को अपने करियर की बेस्ट फिल्म समझ रहे थे, पर इस फिल्म ने तो उनकी सारी होप्स ही तोड़ दी। अरे तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी? आज मेरा ना ऑफिस जाने का मूड नहीं है। ये क्या बचपना है यार, मेरा एक छोटे से फेलियर की वजह से तुम ऑफिस नहीं जाओ। आप मेरे पति हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये डिसाइड करेंगे कि मैं कब ऑफिस जाऊंगी और कब नहीं। मैं नहीं जा रही हूँ। यार ये क्या बचपना लेके रखी हो, यू कांट डू दिस, यू हैव टू। एक मिनट, अब बोलो, अभी नहीं जाना ऑफिस? लिसन, जिस टिप्सी से मेरी शादी हुई ना, वो इतनी रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं होगी। पूरी दुनिया इस वक्त मुझे बेचारा समझ रही है। आई डोंट वांट माय वाइफ टू मेक मी फील लाइक दैट यार, आई वांट यू टू बी नॉर्मल। प्लीज मेरे लिए गो टू ऑफिस। ओके, थैंक यू, लव यू। लव यू टू, जाओ अब। तुम्हें बाहर किसी से खबर मिले उससे पहले मैं ही तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमारे इन्वेस्टर्स ने तुम्हारी डील को गो अहेड देने से मना कर दिया। या ओके, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। आपने ड्रिंक किया? नहीं, नहीं किया। मैं चाहता था कि मैं ड्रिंक करूं। आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। I don't believe this। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? मेरी बात तो सुनो। मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं ड्रिंक करूं, इसलिए मैंने बोतल निकाली। ये अगर एक साल पहले होता, this bottle would have been finished by now। But I did not drink, क्योंकि वो चीटिंग होती for you। Because I've had a failure, मैं पिटी पार्टी में घुसकर अभी नहीं पी सकता। It would be unjust and wrong towards you, इसलिए नहीं पिया मैंने। I didn't drink। Swear by me। I swear. Thank you. I love you. I love you too. सो गया? नहीं तो सब ठीक हो जाएगा। Just relax. Remember, you're Karan Khanna, the star. भाड़ में गया करण खन्ना। I'll tell you something, but don't laugh. इतनी बड़ी फिल्म मेरी फ्लॉप हुई है, but I'm still so calm. You want to know why? क्योंकि तुम मेरी शील्ड हो, क्या कहते हैं वो, हमारी सुरक्षा कवच। Nothing matters क्योंकि तुम मेरे साथ हो। फिर तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगी। Promise? पांच साल हो गए हैं, क्या तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की?
प्लीज उसे ढूंढो, शायद तुम्हारा ये एरोगेंट बिहेवियर तुम्हारे इश्यूज सॉल्व हो जाए। शट द फक अप। तुम मेरी दोस्त हो, मेरी बिजनेस पार्टनर हो, इसलिए मैं ये सब सहन कर रहा हूँ। इश्यूज रिजॉल्व करने की बात कर रहे हो, अगर वो एक बार भी मेरे सामने आई ना, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। एंड यू नो व्हाट, शी फकिंग नोस दिस। ये बेवजह का वहम ना तुम अपने दिल से निकाल दो प्लीज। इस बेहतर डिसीजन तो कोई हो ही नहीं सकता। देखो मैं मुंबई में कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, तुम्हें तुम्हारी पिछली जॉब से बेटर पैसे मिल रहे हैं और पिया का भी स्कूल पुराने स्कूल से बेटर है, तो घबराहट वाली बात क्या? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। टिप्सी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस बार तुम अकेली हो। पापा हम करण खन्ना के सिटी में। वाओ मम्मा करण खन्ना कहाँ रहते हैं? जहन्नुम में। आपसे तो बात करना ही बेकार है। पिया अंकल अंकल करण खन्ना कहाँ रहते हैं? जुहू में रहते हैं। सुना है इन्होंने दो दो बंगले खरीद लिए हैं। हाँ दो बंगला है बांद्रा में। पहले ये लड़की इतनी फिल्मी थी और हम मुंबई आ गए। पिया आपकी बेटी बहुत फिल्मी है मेम साहब। मम्मा सारे मॉडल लोग तो जुहू और बांद्रा में है और करण खन्ना जुहू में, तो हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? मैंने आपसे क्या कहा था पिया, हम करण खन्ना के बारे में बात नहीं करना। चलो बैग निकालो अपना कार से और चलो मेरे साथ ऊपर। कुछ नहीं हो सकता। I knew this would happen. ये बिल्कुल अपने बाप पर गई है। बाप पर गई है या इसे देखकर तुम्हें करण खन्ना दिखाई देता है? वे चाहे कुछ भी हो, पिया मिस्टर खन्ना से नहीं मिल सकती। I just can't afford this. इतना बड़ा शहर है जिसे क्यों मिलेगी पिया मिस्टर खन्ना से? ठीक है मैं हूँ तुम्हारे साथ, ओके? हाँ पहुंच जाऊंगा मॉल में यार। व्हाट अ डाउन मार्केट आइडिया। किसका आइडिया था ये? आई मीन ऑल दोस पीपल एंड करण खन्ना इन द मॉल। एनीवे स्क्रू इट, आई विल बी देयर। वेलकम गाइस, 92.9 एफएम पे आपका स्वागत है। आज की सुबह कुछ अजीब है, ये कोई नई कहानी तो शुरू नहीं हो रही है। और इसी बात पे ये हमारा फेवरेट गाना। We'll be right back.
हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम्हें कोई हक नहीं बनता। यू हैव नो राइट टू कम बैक। वापस आने से यू आर प्लेइंग विद फायर। डू यू अंडरस्टैंड मी? नो नो, आई एम द वन हू शुड बी सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। यू सी, मैंने शायद तुम्हें गलत वाइब्स दी है। दैट्स व्हाई यू थॉट दैट आई एम एन इडियट, राइट? इसलिए तुम बार बार मुझे बेवकूफ बना सकती हो, बट तुम शायद ये नहीं जानती कि मैं सिर्फ एक बार बेवकूफ बन सकता हूँ, नॉट मोर देन दैट। करण ने आज शूट कैंसिल कर दी थी ना, डिड ही कॉल हिम? मैम, नोबडी डेयर्स टू कॉल करण सर। वो आज खुद अपनी मर्जी से आए। गलती हो गई, रियली सॉरी, भूल गई। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। लेकिन मैं नहीं भूला, मुझे याद है अभी तक। Wait and see. 2,500 theaters this Diwali will be sold out. मैं तो कह रहा हूँ 200 करोड़ करेगी business. Okay. तुमने shoot cancel कर दिया था ना? Then you decided to come back. What happened? Such raw emotions? I saw a bit of my past. So you met Tipsy? Yes. मैंने Tipsy को उसकी family के साथ देखा. मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो emotional हो जाता. Maybe you would. Even have some sort of a breakdown, you know, midlife crisis, whatever nonsense. But I just felt anger, raw anger. मैंने सोचा क्यों नहीं इस गुस्से को मैं काम पे यूज करूं? इसीलिए मैं शूट पे आ गया। ये सीन जो अभी किया ना, इस सीन को लेकर मैं अटक रहा था। I was just not being able to crack it. इतने सालों बाद भी टिप्सी ने मेरे अंदर ये raw emotions पैदा किए and the scene came out so good. Thank you, Tipsy, for that. इस इमोशन पर अगर मैं रोता तो घाटा मेरा होता। इसको मैंने अपने सीन में लगा दिया। मैंने अपने दर्द और गुस्से को बेचा पैसे कमाने के लिए। Because I'm a smart man, जो मैं 5 साल पहले नहीं था। लाइफ में सक्सेस का क्रैश कोर्स मुझे मेरे फेलियर्स ने दिया। मेरी अगली फिल्म रिलीज होने वाली थी, बिग बजट, बिग बैनर, बिग मिस्टेक। Please relax. Your nervousness is contagious. It's giving me a migraine. Yeah, you're my business manager. मेरी पिछली फिल्म पता है ना कितनी जबरदस्त फ्लॉप थी? It wasn't that bad, यार. अच्छा सुन, वो डायरेक्ट आ रहा है ना? तू उसे बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगा. अरे कहाँ का क्रिटिक, बड़ी बॉल्डी. जब वो आसमान में नहीं देखता ना तब उसे. You take it easy. Give me a minute. मैं इन सबसे मिल लेता हूँ. Hey, Karan. Derek. How thank you, thank you. Thanks for coming. No, Karan. It was a pleasure. The pleasure was all mine. Oh, really? So, you liked it? तुमने तो अल्कोहल छोड़ दी है ना? But ऐसा क्यों लग रहा था that you were drunk when you signed that movie? I mean, Derek, it wasn't so bad. But you weren't so busy either. जब तुमने मेरे शो पर अपनी अपीयरेंस कैंसिल करी. मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी जा रही थी लेकिन मेरी प्रोफेशनल लाइफ की लग गई थी। दो पिक्चरें जब बैक टू बैक फ्लॉप होती हैं, एक एक्टर का वजूद ही हिल जाता है, चाहे वो मेरे जैसे सुपरस्टार ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी दिल में एक बात का सुकून था कि कम से कम मेरी बीवी साथ थी, मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम, मेरी जान। क्या कर रही हो? तुम्हारा तो नाइट शिफ्ट बंक कर दिया। क्यों? क्योंकि आज आप घर से अम्ब्रेला लेकर नहीं निकले थे ना, और बारिश हो रही थी। टिप्सी, I'm feeling so small यार। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और अगर मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मुझसे क्या गलती हो रही है, मेरी हर फिल्म के साथ ऐसा होगा। I just don't know what to do। खन्ना, जब प्रॉब्लम बड़ी हो ना तो उसे छोटे छोटे टुकड़े करके सॉल्व करेंगे। For now, just come with me. अभी तो मैंने सिर्फ नाइट शिफ्ट बंक की है, लेकिन अगर आपको बुखार हो गया ना तो मुझे 7 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। चलिए चल।
नहीं, ड्रिंक बनाओ। ये डेकोर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ना, न्यू वॉलपेपर्स, कलर, सोफा। दिस इज माय हाउस, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं पसंद करता हूँ। मस्ट बी सो टायर्सम फॉर यू ना, द बैड बॉय एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेम। बीन देयर डन दैट, किसी ने मुझे टेम किया था एंड देन शी स्टैब्ड मी इन द बैक। तुम हमारे रिश्ते को लेकर कभी भी सीरियस नहीं होगे ना। कुछ लोग अकेले ही चलते हैं, शेर भी जंगल में अकेले ही चलता है। आई थिंक मैं भी अकेले ही चलता। ये कमरा किसने खोला? Who the fuck opened this room? चलिए मिस्टर खन्ना, हम लेट हो रहे हैं। हाँ यार, पता नहीं क्यों जा रहे हैं इसके लिए हम। मिस्टर खन्ना, आर्यन आपका इतना अच्छा दोस्त है और उसकी फिल्म की सक्सेस पार्टी है, इसलिए जा रहे हैं। बट मैं फिलहाल अनसक्सेसफुल एक्टर हूँ। तो मेरी पिछली 3 फिल्में फ्लॉप हुई हैं यार। Come on, it's just a party. It's not just a party, it's a success party. उसकी फिल्म 200 करोड़ क्रॉस कर चुकी है यार। एक हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? मुझे नहीं पता क्यों जा रहे हैं यार, उसको विश करने जा रहे हैं। हाँ तो फिर फोकस ऑन हिम ना। Thank you so much for coming. Yeah, it means so much. Thank you so much. Thank you so much. What will you have? Sir, huh? Ek photo, sir. Of please. Course, of course, please. Sir, solo chahiye, sir. Huh? Solo, sir. Solo. Sure. Hey, Karan. Just be yourself, comfortable, all right? Because इतना excited था to see me. अच्छा decision था मेरा यहाँ आने का. Excuse me? मेरा? It was your decision to come here, right? No. तुम्हारा decision था, okay? In fact, अगर तुमने insist नहीं किया होता, तो मैं नहीं आता. Thank you. धीरे-धीरे आपको realize हो जाएगा, Mr. Khan. कि बीवी हमेशा सही होती। Already realize हो चुका है, okay? मैं जरा जल्दी से उसे thanks कहता हूँ for inviting us. ठीक है, I'll just get some drinks. हाँ। अरे यार सुन, hey Karan, just give me 5 minutes. 5 minutes and I'll join you. थोड़ा बिजी है। प्रोड्यूसर तो क्या, मैं एक्टर भी नहीं बन पाता। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले ना इस शहर में, उनकी वजह से। जब ये पहली बार इस शहर में आया था, 1 साल तक मेरे साथ रहा था। सच्ची? आई थिंक ही इज गोना थैंक मी नाउ। आपकी फिल्म रिलीज हुई, आपको कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली इस फिल्म से मैं एक्टर से प्रोड्यूसर बन गया हूँ। आर्यन सर, किसे आपकी इस जर्नी का क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं उस इंसान को क्रेडिट देना चाहूंगा जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो है बॉब, मेरा ट्रेनर। आई लव यू बॉब। घर चलिए प्लीज। हाँ ऑफ कोर्स, आई जस्ट से बाय। बस 2 मिनट बाय बोल के फिर निकल। Sorry.
यार आई थिंक यू आर अ लिटिल बिजी. अरे नहीं यार, वो मंचना नहीं आया. आई रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ द पार्टी यार, बट आई एम ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द पार्टी. एक ड्रिंक तो पी ले साथ में. अरे यार तू इतना इनसेंसिटिव क्यों हो रहा है? एक ड्रिंक ही ना यार, मेरी पार्टी है, मुझे सबको हैंडल करना है यार. डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग चलते हैं. Some other time. नहीं नहीं, तू ऐसे कैसे जा सकता है? You wanna have a drink, हाँ? सजाद, come here. दो orange juice लेके आ. Go fast. तूने drink करना बंद कर दिया ना? हाँ. Those are the times, you remember? Sir, आपका last bite बचा हुआ है. Please एक last bite. बाइट्स लोगे आप यार. Sir, एक last bite उस location. It's okay, दे. अचानक सब कुछ बदल गया. वो रोल जो आर्यन खान से लेकर इंडस्ट्री का हर बड़ा स्टार अपने लिए चाहता था, हिरानी ने वो मुझे ऑफर किया. What? He said yes. He said yes. Oh my God. Yes, 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 yes. I'm so happy, Mr. Khanna. So happy. अरे बस 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 यार, मेरे कान फट जाएंगे. हार्ट अटैक देने का इरादा है क्या मुझे? I'm so happy for you, Mr. Khanna. I'm so proud of you. Yes, yes, yes. Yes, I'm back in the game. Of course you are. मैं कहती थी ना आपसे कि आप इतना नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, मेरी बात सुनिए. ये आपकी जो बैड ईगो है ना, इसको साइड में रख के सिर्फ अपनी बीवी की बात सुनेंगे तो आप बस यार, मैं घर आऊंगा तब डांट लो ना मुझे. अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ यार. रिलैक्स, यू रन आउट ऑफ स्टीम. मैं घर आता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं. ओके डाउन करन. डोंट टेल मी व्हाट टू डू. ये कमरा किसने खोला? अभी लॉक करो इस कमरे को. ये कमरा कभी नहीं खुलेगा, समझ गए? करन, बिल्कुल मुझे कंसल्ट कर सकती हैं. मैं समझ सकता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री को हिला देगी. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. बड़ा केस छोटा केस मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. मुझे मेरे क्लाइंट को जिताना है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो आप बाय ऑल मीन्स उसे मेरा नंबर दे दीजिए. हाँ, मैं वेट करूंगा उसके कॉल का. हाय. हाय. शिफ्टिंग में ना मेरी वॉशिंग मशीन ही डैमेज हो गई है. एक नया सर दर्द हो गया. आई थॉट मैं सारे कपड़े ला के यहाँ तुम्हारी वॉशिंग मशीन में धो लो. टिप्सी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम वॉशिंग मशीन में लस्सी बना रही. हाँ, वेरी फनी. व्हाट्स रॉन्ग विद यू वेद? शर्टलेस क्यों घूम रहे हो तुम? हाँ, शर्ट्स नहीं है तुम्हारे पास? पहले काफी नहीं था क्या? बैंगलोर में सब लोग इतना हमारे बारे में बातें करते थे. अब प्लीज यहाँ ये सब नहीं होना चाहिए वेद. आई कैन नॉट अफोर्ड दिस. इससे क्या फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या बातें करते हैं? हम जानते हैं ना हमारी रिलेशन क्या है. हमारी दोस्ती इतनी प्योर है कि किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं. बैंगलोर में भी तुम मेरे लिए खाना लाती थी और मैं तुम्हें रोज ऑफिस ड्रॉप करता था ना. मुझे एक अच्छी फैमिली लाइफ चाहिए थी जो मुझे मिल गई क्योंकि तुमने मुझे पिया जैसी डॉटर दी थी. तुम दोनों मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो. टिप्सी, तुम अभी कपड़े धोना और वॉशिंग मशीन छोड़ो. जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग करने चलते हैं. क्या पिया कहाँ है? वो रेडी हुई या नहीं?
हाँ वो तो रेडी है, लेकिन तुम मैसेज चलोगे क्या? अरे मैं भी तब तक रेडी हो जाऊंगा ना, आइडिया वही है। डोंट वरी, कपड़े पहन के मिलूंगा। अंडरस्टैंड, ये बैंगलोर नहीं है, दिस इज मुंबई यार। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, वही बात करती पिया, अगली बार अगर आपने होमवर्क टाइम पे फिनिश नहीं किया ना, नो आउटिंग। मम्मा प्लीज, क्रिसमस टाइम में तो सबको फन गिफ्ट कर देते हैं ना। मम्मा आप सांता क्लॉस में बिलीव करते हो? प्रिया को पता है तुम्हारी शादी सांता क्लॉस से हुई थी? कुछ नहीं, म्यूजिक सुन रही है। देखो सुन लेगी और एक बात की हजार बातें बनाकर स्कूल में सबको जाके बता देगी। वैसे भी इतनी फिल्मी है, हर बात को चार अलग अलग तरीके से बताती, नौ अलग अलग इमोशंस के साथ। वही तो बोल रहा हूँ, ये ट्रेट्स आए कहाँ से? पिया को ये ड्रामा कहीं तुमसे तो विरासत में नहीं मिला? इतने बड़े शहर में क्या चांसेस हैं कि मिस्टर खन्ना और तुम दोनों एक ही मॉल में एक ही जगह एक ही दिन प्रेजेंट हो? डोंट बी सो पैरानॉइड। चलो बाहर आ जाओ। किसको शॉपिंग करनी है? आओ। What the hell is all this? इन्हें बच्चे कहते हैं, ये हमारे स्पॉन्सर्स का टिकेटेड इवेंट है। यहाँ बच्चे जिंगल बेल गाएंगे और जो भी अच्छा गाएगा। एक मिनट, ये बच्चे, these bloody devils are going to sing jingle bells. Who approved this? दिव्या कहाँ है? I want to fire her. One second, she's with the sponsors. और अगर किसी को fire कराना है तो वो मैं, because I'm the producer of the film. So I request Mr. Karan Khanna to please come on the stage. I'm gonna kill you for this. हाँ, आपके केस की बात हुई है मुझसे, लेकिन मैं अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, सो सॉरी। आप प्लीज मैसेज कर दीजिए। थैंक यू। यस कैसे पहुंचे, मतलब? I mean, how did you get on the top? At the top? बहुत मेहनत के साथ, with a lot of hard work. No, I was asking, how did you get on the top of the stage? मुझे भी वहां आना है। सैंटा के पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं ना, और मुझे आपके साथ सेल्फी भी लेना है। This was not part of the deal, picking her up and getting her here. I agree. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। Oh God. Okay. हाँ। Yeah, दिए लो। Now you're on the stage. अब क्या? Selfie. Selfie. Okay. तो आपका अब कैमरा कहाँ है? ये आपका कैमरा है? I'm 4 years old. मेरी मम्मा मुझे फोन नहीं रखने देती। आपके फोन से टिकट please. Okay. खुश नहीं हूं। ये आपसे किसने कहा? आप ठीक है? मैं बहुत खुश हूं। लुक एट मी यार, मैं ठीक नहीं हूं। जस्ट लुक एट मी। बस कुछ दिनों की तो बात है,
सब ठीक हो जाएगा मिस्टर खन्ना, यू विल बी फाइन। One last bite. Please. Hello, Karan. How are you feeling? पता नहीं डॉक्टर, is there any improvement? क्या मैं ठीक हो रहा हूँ? Of course, Karan. जो concern मैंने आपके साथ discuss किया था. देखो करण, अभी तुम्हारी बॉडी को हील करना जरूरी है। तुम बच्चा चाहते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन इसके बारे में सोचना बंद करो। अभी मेरी प्रायोरिटी है तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करना। मिस्टर खन्ना की गोद में आज उनकी अपनी बेटी है और वो जानते भी नहीं। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा, वो पिया को मुझसे छीन लेंगे। मैं नहीं चाहती पिया कभी अपने असली पिता की डरावनी असलियत को जाने। मैं जानती थी ऐसा ही होगा, मुझे पता था ऐसा ही होगा। मिस्टर खन्ना पिया को हमसे छीन लेंगे वेद, तुमने तो कहा था कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हमें मिलेंगे। फिर वो हमें क्यों मिले हैं वेद? वो पिया को हमसे छीन लेंगे। मैं जाकर लेकर आता हूँ पिया को। How would he know? तुम घबराओगी, सीन क्रिएट करोगी, हंगामा होगा यहाँ। So just relax, relax। मैं लेकर आता हूँ, relax। जितने आप फिल्म में हो, जितने उतने बड़े रियल लाइफ में नहीं हो। In fact, आप में और सांता में। Excuse me, पिया। चलो पिया। नहीं करण खन्ना, आप भी मेरे साथ चलो। मेरी मम्मा मुझे बहुत पीटेगी। उनको ये सेल्फी बिल्कुल नहीं पसंद। एक मिनट, ये आपकी बेटी? ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय। चलो चलो। आई हेट किड्स, आई लव किड्स। बच्चे तो चाहिए ना, मुझे भी बच्चे चाहिए, टिप्सी को भी बच्चे चाहिए। आई हैव अ डॉटर, लेकिन टिप्सी का तो एक भी बच्चा नहीं। मिस्टर खन्ना, आपकी रिकवरी अच्छी हो रही है, बट स्टिल यू आर पार्शियली पैरालाइज्ड। बाकी आगे क्या होता है? कुछ बच्चे तो चाहिए। चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मुझे एक बच्चा और नहीं चाहिए। एक बच्चा और? एक है ना मेरे पास ऑलरेडी, क्यूटी क्यूटी सा बेबी। एक बच्चे को संभालूं वही बहुत है, और नहीं चाहिए। और वैसे भी मिस्टर खन्ना, बहुत भीड़ हो जाएगी। I mean, ऑलरेडी हम लोग तीन हैं, फिर चार। तीन कौन? आप, मैं और कौन? तो बोलो। अरे स्टॉप इट यार। कम ऑन मिस्टर खन्ना, यू वांट टू सी मी हैप्पी? यस। देन होल्ड मी टाइट। बस आप इसी तरह से ना मेरे साथ रहिए, मेरे पास। मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे यू आर स्टिल नॉट रेडी मिस्टर खन्ना, योर पीआर पर्सन इज वेटिंग आउटसाइड। कम ऑन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। किसमें? उसमें या मुझमें? यू नो व्हाट, ये स्मार्ट एस कमेंट्स तुम्हारे बिल्कुल काम के नहीं है। वी आर जस्ट प्रिटेंडिंग। सब कुछ खत्म हो गया। Get up and get ready. They're your fans. उनका हक बनता है ये जानने का कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, किसका फोन था? They want to give me an award, a lifetime achievement award. Basically, पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि करण खन्ना खत्म हो चुका है। So turn it down, Mr. Khanna. What's the big deal? You need to tell them that you're not over yet. और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ना कि 40% chances हैं that you'll be back on. हाँ, कहा है। इसका मतलब है कि 60% chances है कि मैं normal नहीं होने वाला हूँ। The odds are not on my side. मिस्टर खन्ना, आप हमेशा से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे, नहीं क्या? The arrogant, self-obsessed, annoying alpha male, that's what you are. जिसने हर प्रॉब्लम को ये कह के डील किया है कि कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन, आई एम करण खन्ना, आई कैन डील विद एनीथिंग। तो अब क्या हुआ? लिसन, आपको उन्हें याद दिलाना पड़ेगा दैट यू आर करण खन्ना, ताकि उन्हें डर लगे कि जब आप अपने पैरों पर वापस खड़े होंगे ना, तो उनके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। Now stop sulking and get ready. Come on. अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है अवार्ड का? Screen Story Awards. Oh, not interested.
करण, तू मैं बेस्ट एक्टर, लेजेंड ऑफ द ईयर, स्टाइल आइकॉन, एक और कैटेगरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे। दे आर डेस्परेट। दैट्स वेरी स्वीट, बट आई एम स्टिल नॉट इंटरेस्टेड। डू वन थिंग, कैजुअली प्रेस में ये इंफॉर्मेशन लीक कर, और साथ में ये भी बताओ उन्हें दैट आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग फॉर द अवार्ड्स। यू आर मेकिंग टू मेनी एनिमीज। एनिमीज डोंट स्केयर मी। The only people that scare me are people who say they have my back. जैसे कि टिप्सी, फिल्म स्टार व्हीलचेयर में हो या हॉस्पिटल में, लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए टिप्सी ने अपना जॉब चेंज कर दिया। उसने रिहैब सेंटर में नौकरी छोड़कर रिहैब स्पा रिजॉर्ट में नौकरी कर ली। पहले मुझे लगा कि वो ये सब कुछ मेरे लिए कर रही है, लेकिन उस वक्त मैं उदयन के बारे में नहीं जानता था, टिप्सी का बॉस और वेल विशर। बट मैम, हमारी वेलनेस एडवाइजर ने इसे ही रिकमेंड किया है। और डॉक्टर नागराजन अब चेंज रेकमेंड कर रही हैं। सो गेट इट डन, कम ऑन, फास्ट। श्योर सर, थैंक यू। डॉक्टर नागराजन, हाउ हैव यू बीन? आई एम गुड, थैंक यू। आप काफी टायर्ड लग रही हैं, क्यों? या एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में। आई मीन विद ऑल द ट्रैवल डिस्टेंस। आई टोटली अंडरस्टैंड। बाय द वे, हाउ इज करण? ही इज डूइंग वेरी वेल। इन फैक्ट बहुत मार्क्ड इंप्रूवमेंट है। Also, excuse me. Yep. Hello? Hello, Didi. अच्छा ठीक है, तुम ख्याल रखो, मैं आती हूँ जल्दी। सॉरी उदयन, आई विल हैव टू लीव, वो थोड़ी सी इमरजेंसी है। By all means, आपने 36 घंटे की स्टेट शिफ्ट की है, गेट सम रेस्ट प्लीज। थैंक यू। टिप्सी काम पर रहती थी और मैं अकेले रहता था, अकेले बैठ के सोचता रहता था। जब इंसान के पैर नहीं चलते ना, उसका दिमाग ज्यादा चलता है। मैंने फिर से दारू पीना शुरू कर दिया। दिन रात अपने बारे में सोचता था कि मैं टिप्सी की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं, इसलिए मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा था। हाय, तुम तो कल आने वाली थी ना? आप ड्रिंक कर रहे थे मिस्टर खन्ना? नहीं, नहीं कर रहा था। ऑफकोर्स झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे। आप ड्रिंक कर रहे थे, शिव ने बताया मुझे। शिव, कितनी ड्रिंक्स किए साहब ने? हाँ, एक मिनट, ओके ओके, मैं ड्रिंक कर रहा था, ओके शिव, आई विल हैंडल दिस, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। I don't believe this, Mr. Khanna. Counselor थी मैं आपकी, मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप ये कर सकते हैं। This is the problem, यार. This is why I drink. मुझे वाइफ की जरूरत चाहिए, काउंसलर की नहीं। तो मेरी गलती है ये मेरी गलती है कि मैं आपकी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी जिंदगी नहीं सुधर सकती है यार। Can't you see the mess of my life? क्या सुधारोगी मेरी जिंदगी के साथ, क्या सुधारोगी तुम? This is why I drink. This drink is keeping me alive, not you. तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जिंदा रख रही हो? नहीं, ये ड्रिंक मुझे जिंदा कर रही है, so let me drink यार. तो एक काम कीजिए, आप ना इसके साथ ही रहिए, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, मेरी जरूरत ही नहीं है। Do what you wanted to destroy your life. Drink, okay. What do you want? I'm sorry. No, you're not sorry. I am sorry कि तुम मेरी जिंदगी में आई, मैं तुम्हारी जिंदगी में आया, बिकॉज मैंने तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। आई रियलाइज दिस यार, मैं अगर नहीं मिलता तुम्हें, तुम अभी तक अपनी जॉब कर रही होती, यू वुडंट हैव टू क्विट योर जॉब बिकॉज ऑफ मी, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद नहीं होता। आई प्रॉमिस्ड यू सो मच एंड आई डिडंट डिलीवर, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। ऑल आई वांटेड वाज यू मिस्टर खन्ना, एंड दिस इज नॉट यू। I know this is not me. मुझे ऐसा नहीं होना है। I don't want to be like this, यार. But just look at me, यार. मेरी हालत देखो, मेरी जिंदगी में जो कुछ हादसा हुआ है, I can't help it, यार. I'm out of control, यार, tipsy. क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? This will ruin us, Mr. Khanna. Don't do this. उस वक्त मैंने कहा था, Mr. Khanna, this will ruin us. आज 5 साल के बाद भी मैं उसी डर में जी रही हूँ। मिस्टर खन्ना मुझे फिर से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिना, कभी कभी मुझे पता है क्या लगता है, ये जो तुम्हारी मेड है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन जिसका इस्तेमाल तुम फ्री के डिनर के लिए करते हो।
कुछ पेयरिंग्स लेजेंडरी होती है ना, जैसे राज कपूर नरगिस, धर्मेंद्र हेमा मालिनी, अमिताभ रेखा, आलू गोभी आल्सो फॉल्स टू दैट कैटेगरी। वेद, तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवॉइड कर रहे हो। मैं तो वही कर रहा हूँ सेम टू सेम जो तुम करती हो। तुम भी तो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवॉइड कर रहे हो कि तुम करण खन्ना से इतना डरती क्यों, अगर उसे सच्चाई पता चल जाएगी तो। लिसन, ही इज द मोस्ट बिटर एंड डिरेंज्ड मैन आई नो, डिल्यूशनल, विंडिक्टिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। मेरी लाइफ ना बहुत नॉर्मल है, सॉर्टेड है एकदम। मैं उसे अवॉइड करना चाहती हूँ। व्हाई इज दिस सच अ सरप्राइज फॉर यू? तुम्हारा उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो धनिया अवॉइड करते? इतना धनिया डालते हो तुम सब्जी में। मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ और यहाँ आकर सिर्फ अपने खाने की तौहीन सुनती हूँ। तौहीन एंड ऑल, वाओ, हार्डकोर उर्दू एंड फारसी। कम ऑन टिप्सी, इट्स नॉट माय प्लेस टू टेल यू, बट अगर करण इतना ही विंडिक्टिव और मीन है, अगर उसे पता चल जाए कि पिया उसकी बेटी है तो। यू राइट वेद, दिस इज डेफिनेटली नॉट योर प्लेस टू टेल मी एनीथिंग, बट वो Wow! This is definitely my place to say that a pair of very sexy, oh my god, so sexy lips has just messaged you that meet me ASAP. My god! Woo! Dikhao. Oh, tum to serious ho gaye. Seems like an emergency, huh? Mazak mat karo, Tipsy. Main jo karne ja raha hu, you might not like it. You know what, Ved? Tum jo bhi karne ja rahe ho na, just put all your heart and soul into it. All the best. Thank you. ये सब मैं अपने रिकॉर्ड के लिए कर रहा हूँ। You don't have a problem with this, Miss Mehta. No. I'm sure. I want to go ahead with this. You know there's no coming back from this. I want to do this. I know it's a huge career risk, but I want to do this. इन सब लड़कियों के अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के। आपके पास वीडियो एविडेंस है जो आप सबमिट करना चाहती हैं? जी, एविडेंस के बिना मुझ पे यकीन कौन करेगा? ऐसा भाग मारे आपको सारे डिटेल्स और फॉर्मेलिटीज समझा देंगे। अरेस्ट वारंट आ चुका है। Let's leave. अच्छा, खैर, साथ में उनकी बेटी है और ये। हाँ, ये कौन है? ये दोनों साथ में रहते हैं, बैंगलोर में भी साथ में रहते थे। बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट पर भी इनका नाम है। ठीक है, तू जा। गुड वर्क। ओके। मिस्टर खन्ना, मिस्टर खन्ना, यू हैव बीन अरेस्टेड फॉर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। What the fuck? ये तुम हो ना? ये तुम ही हो ना? ये यही होता है मेरे साथ। I shouldn't have this much to fucking drink. Mr. Karna, I think you've had too much to drink. लेकिन फिर भी मुझे आपको बताना पड़ेगा कि no, एक मिनट. This is you're not real. I shouldn't have opened the second bottle. मेरे को दिन में सपने देखने मिलते हैं। Mr. Khanna, get a grip. This is real. Oh, really? Ow. Fuck, this is real. एक मिनट. मार खाने के बाद सेल्फी और you're into social media. ऐसा वाग मारे? बाकी चार्जेस के साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर असॉल्ट, ये चार्जेस भी ऐड कर देना। यस सर। और ये फोटो, चलिए, सोशल मीडिया पे नहीं जाएगी, कोर्ट में प्रेजेंट की जाएगी। मामा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, इसको नहीं जानता चलेगा।
पिया तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो? मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द है, स्कूल नहीं जाऊं तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत घटिया एक्टिंग कर रही हो तुम। चलो ब्रश करो। शांता वो गोभी के साथ प्याज और दो आलू भी काट लेना। हाँ चलो क्या कर पिया, टीवी बंद। As you can see that Karan Khanna has been arrested for the molestation charges. पुलिस की तरफ से अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अगर हम इस सूत्रों की माने तो सनम मेहता ने उन पे ये molestation का चार्ज फाइल किया है। As you can see the picture. पिया टीवी बंद करो, टीवी बंद करो पिया। मम्मा ये करण खन्ना है ना, पुलिस ने अरेस्ट किया उन्हें? पता नहीं पिया, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो स्कूल चलो। मम्मा आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको तो कुछ भी नहीं पता। तुम्हें बहुत पता है ना, बहुत स्मार्ट हो गई हो। पिया अब फोन क्यों उठा रही हो तुम? पिया क्या कर रही हो तुम, ये किसको फोन लगा रही हो? पुलिस कंट्रोल रूम। क्यों? पापा ने सिखाया अगर कोई डेंजर लगे तो। मैं तुम्हें बताती हूँ अभी डेंजर क्या होता है। शांता इसको लेके जाओ, तैयार करो वरना लेट हो जाएगी, मुझे स्कूल में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। As you can see that Karan Khanna has been arrested for the molestation charges. पुलिस की तरफ से अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अगर हम अपने सूत्रों की माने तो सनम मेहता ने उन पे ये molestation का चार्ज फाइल किया है। लगाने तो दो यार। अरे पता है मुझे। What the hell is all this? मैं किसी भी औरत को बगैर परमिशन के हाथ भी नहीं लगाता। It's a big turn-off for me, you know this. Sanam Mehta jaisi ladki, I mean seriously, I have better taste than that, yeah. Karan, and I'm on sexual detox these days, yeah. When I resume, you really think I'm gonna go after Sanam Mehta? Obnoxious fucker. ये कोर्ट में मुंह खोलेगा और जज इसको अंदर डाल देगा। Karan, watch what you say. तुम ये जो बोल रहे हो ना, can get you into a PR disaster जैसे तुमने सोचा भी नहीं होगा। अरे ठहरो यार अभी नहीं। इतनी घटिया बात कैसे बोल दी उसने? सेक्सुअल असॉल्ट। यू आर अ स्टार, तुम्हारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम्हें ऐसे केस में फंसाने के मैसिव रिपरकशंस हैं। कल की आई हुई स्टारलेट सनम मेहता ने ऐसा कर लिया। समवन हैज सनम मेहता'स बैक फॉर श्योर। ये फ्राइडे वाला चक्कर क्या है? फ्राइडे को जो अरेस्ट होता है उसे मंडे तक बेल नहीं मिलती, फिर भी मैंने ऊपर से ऑर्डर्स निकलवाने की कोशिश की। This fucker has planned everything in detail. Well, you son of a bitch, bitch. आने दो, आने दो उसे. Police station में भी एक assault works wonderfully for me. Leave him, leave him. चलो. Sir, करण, करण प्लीज काम डाउन, यू नीड टू अंडरस्टैंड। करण मेरी बात तो क्या कर रहे हो? दे दो मुझे। यू आर नॉट गेटिंग इट। आई वांट द फकिंग ड्रिंक, गिव मी द। यू आर नॉट गेटिंग इट, दैट्स इट। जस्ट गिव मी द फकिंग। व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? Why are you overreacting? तुम्हें क्या लगता है मुझे जेल हो जाएगी because of this stupidity? I know this is stupidity और मैं ये केस हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन अगर ये केस कोर्ट में चला गया तो एक दो साल चले जाएंगे and then your reputation, your image सब डैमेज हो जाएगा। Nothing is gone. I'm Karan Khanna. I'm the superstar, यार. Exactly. तुम वो superstar हो जिसकी पहली बीवी ने तुम्हें divorce दे दिया है और तुम्हारी जो दूसरी बीवी है जो rehab counselor है, she has just disappeared on you and you have become an alcoholic one more time. So what? I always bounce back stronger than before. If I was a star then I'm a superstar now. Why does it matter? Exactly. तुम वो superstar हो जिस पर एक लड़की ने sexual harassment का case किया है। सनम झूठ क्यों बोलेगी? Please convince me, Karan. Please. पूरा मीडिया साइकिल यही बोलने वाला है और मैं ऐसे मामले में गलत का साथ नहीं दे सकती। यू नीड अ वुमन टू स्टैंड बाय। अरे बट यू आर देयर ना, तुम वो सब कर सकती हो मेरे लिए। करण प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। वी नीड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, यू नीड अ वाइफ टू स्टैंड बाय यू, यू नो। तुम्हें एक कंप्लीट इमेज रिहैब की जरूरत है, एक हैप्पी फैमिली, एक डिवोटेड वाइफ, एक हेल्दी रिलेशनशिप। यू शुड गो फॉर चैरिटी इवेंट्स अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि ये तुमने जो 5 साल में बनाया, you can lose it all? नहीं, मुझे डर नहीं है। I already had lost it all, don't you get that? आज से 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, remember that? I'd lost my legs, do you remember that? And just when I thought that I couldn't lose anymore, उसी वक्त मैं अपनी बीवी को भी खो चुका था। You think I give a fuck about losing it all? So what if I lose my career? यार एक सेकंड में वापस आ जाएगा। I don't give a shit anymore. You know what?
You do something, you call that press conference. For the first time, I'm going to give my side of the story. Karan, Karan, try to understand. Listen to me. God. Hi. Hi. एक मिनट, क्या हुआ तुम्हें? क्या? नहीं, कुछ नहीं. वो अब पिया कहाँ है? मैंने उसके लिए ऑमलेट बनाया. पिया को क्या सिखा रहे हो तुम? मैं मैथ्स में 2 के टेबल्स, इंग्लिश में प्रिंसेस इन द फ्रॉग और हिंदी में ई की मात्रा. और ये कि माँ अगर डांटे तो पुलिस को कॉल करो. सीरियसली उसने ऐसे किया? यू फाइंड दिस फनी? अरे ये क्या है, टीवी उल्टी क्यों रखी है? पिया की वजह से. जब देखो टीवी देखती है, मानती नहीं है. आई डोंट बिलीव दिस वेद. 4 साल की उम्र में एक्ट्रेस बनना चाहती है वो. टेक्स आफ्टर हर फादर. अरे माँ पे भी तो जा सकती थी ना. टॉपर थी मैं हमेशा से. बट दिस गर्ल, आई मीन. रिलैक्स टिप्सी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, देन शी विल टेक आफ्टर हर मदर. तुम्हें लगता है वो लड़की सच बोल रही है जिसकी वजह से तुमने करण को अरेस्ट करवाया? वो झूठ क्यों बोलेगी? दिस इज नॉट करण. मतलब करण कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा वो. मोलेस्टेशन इज नॉट हिम. तुम करण की साइड ले रही हो बिकॉज़ यू आर मैरिड टू हिम? नो, दिस इज सिंपल लॉजिक. उस आदमी की ईगो इतनी बड़ी है कि अगर उसे कोई लड़की ना बोलती है तो उसे छूना तो दूर, वो पलट के उसकी तरफ देखेगा भी नहीं. इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं. रियली? अब तुम मुझे साइको एनालाइज करोगे? इट्स ट्रू टिप्सी, ये स्टॉकहोम सिंड्रोम ही है. किडनैपर का विक्टिम के साथ एक अजीब सा सिक रिलेशनशिप हो जाता है जिसे वो प्यार समझ लेती है. करण तुम्हारी जिंदगी में वही टेररिस्ट है. कितने दिन तुमने उसके साथ स्पेंड किए बिफोर यू हैड द करेज टू मूव आउट ऑफ? आई नीड टू स्पेंड सम मोर टाइम विद मिस्टर खन्ना. सो स्पेंड टाइम विद हिम, यू डोंट नीड टू रिजाइन. उदयन, मिस्टर खन्ना की प्रॉब्लम फिजिकल से ज्यादा साइकोसोमेटिक है, इफ यू नो व्हाट आई मीन. वो I'm sorry, but I really need to take time off and be with him, man. You're doing so well here. और in fact, मैं तुमसे करण के बारे में ही बात करना चाहता था. Tell me something, you know, अगर करण का कोई बहुत बड़ा फैन उसकी फिल्म को फाइनेंस करना चाहे तो. You know, इस वक्त वो कुछ भी. No, no, no. He doesn't need to act. वो कुछ भी. He can be a producer if he wants. Really? Let me tell you something about this friend of mine. वो एक NRI है. वो हर साल दिवाली पे इंडिया आता है टू वॉच करण खन्नाज फिल्म. और वो कब से बोल रहा है कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन फिल्म्स एंड जस्ट टेल मी हाउ, ताकि करण खन्ना उसका दोस्त बन सके. वाओ, वो इंडिया आया हुआ है. यू वांट मीट हिम? या, आई कैन. या, परफेक्ट. थैंक यू. गुड मॉर्निंग सर. हाँ शिव, गुड मॉर्निंग. ये दीदी का है? वो तो सुबह सुबह चली गई. सुबह सुबह? सुबह सुबह कहाँ चली गई? सुबह सुबह कहाँ होंगी मिस्टर खन्ना, ऑफिस जा रही हूँ. अरे यार, लेकिन मैंने आज कुछ स्पेशल प्लान किया था. हैप्पी एनिवर्सरी बाय द वे मिस्टर खन्ना. आज हमारी एनिवर्सरी नहीं है. एनिवर्सरी है, तुम ये नहीं जानती कि किस बात की एनिवर्सरी. टुडे इज द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट टाइम दैट वी स्लेप्ट टुगेदर. लिसन, हमारी एनिवर्सरी ना अगले हफ्ते, ऐसे कुछ भी मत बोलिए. तुम भूल रही हो कुछ. वो रात टीजर वाली भूल गई? We slept next to each other. मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर था. What about that? उस रात तो कुछ नहीं हुआ था. ओके, हाँ हाँ, सब कुछ होने के बाद ना सब यही कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ था. जो कुछ हुआ था मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में. तुम आज जल्दी से घर आना. I have a surprise for you. Bye. Bye. Everything works out this time. Thank you.
क्या हो तुम? मिस्टर खन्ना, वेयर इज माय सरप्राइज? अरे आप सरप्राइज मेरे बैग में क्यों रख रहे हैं? मुझे ऐसे ही दे दीजिए। तुम ऑफिस जाने के लिए टॉयलेट बैग और ओवरनाइट कपड़े लेकर जाती हो? आप मेरे बैग क्यों चेक करें? कौन से ऑफिस में ओवरनाइट बैग और टॉयलेटरीज की यूज होती है? मिस्टर खन्ना, मेरा बैग तुम तुम्हारे बॉस के साथ थी। यू लाइड टू मी। It's not what you're thinking. What, Mr. Khanna, मेरी बात तो सुनिए। It's not what you're thinking. वो मेरे बॉस का दोस्त आपका फैन है, Mr. Khanna. वो आपके साथ फिल्म बनाना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, Mr. Khanna. इसमें हमारा ही फायदा है। Listen to me. I'm sorry. तुम आइंदा कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। मैं सिर्फ आपको सरप्राइज देना चाहती थी। सॉरी। मैम, करण सर की फैन फॉलोइंग बहुत लॉयल है, उन्हें बहुत ट्रस्ट करती है, और मुझे नहीं लगता वो सनम मेहता की बात पर विश्वास भी करेंगे। और वैसे भी कल हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिव्या, जस्ट लीव मी अलोन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारी प्रेजेंस सारी ओपिनियन बदल देगी करण के बारे में। आई नीड यू। करण का बिलीव है कि ये सब वेद ने किया है, एंड ही एंड टिप्सी आर टुगेदर। सो अगर मुझे टिप्सी तक पहुंचना है तो मुझे वेद को ढूंढना होगा। क्या हो रहा है? अभी तो आपकी बर्थडे पार्टी शुरू भी नहीं हुई है पिया, और आपने ऑलरेडी ये सब शुरू कर दिया। वेरी बैड। जब तक सब गेस्ट नहीं आ जाएंगे, you will not touch anything, okay? Pakka? Pakka. Promise? Promise. Good girl. Beta, Dr. Nagarajan kahan hai? Main aapko bata diya thi, lekin abhi wo bahut important kaam mein busy hai. Kya kar rahi hai? दही बल्ले, छोले, समोसे और पास्ता बना रही है। छोले, मैं ट्राई करूं? ओह, टिप्सी, आई मीन डॉक्टर नागराजन। मैंने खा रही है। मायसेल्फ जोया हुसैन, हम 5 साल पहले मिले। आई रिमेम्बर। वो एक्चुअली आपके छोले बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरी मॉम जैसे। हाँ, सो यू आर हियर फॉर द रेसिपी? नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। इन दैट केस पास द डो। वो एक्चुअली मैं आपको करण खन्ना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाने आई थी। जस्ट कीप मी आउट ऑफ दिस प्लीज। ओके। तुम्हारी बेटी 4 साल की है? मैं थोड़ा बिजी हूँ। श्योर। अभी बिना इनविटेशन के आई गई हैं, तो केक खा के भी जाएगा? I have a feeling she's figured it all out. क्या मिसाइल्स कहाँ रखी? Come on यार वे, तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। मिस्टर खन्ना को अगर पता चल गया कि पिया उनकी बेटी है तो मिस्टर खन्ना को अगर पता चल जाएगा कि पिया उसकी बेटी है तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। करण खन्ना मेरे पापा है? सुपरस्टार करण खन्ना मेरे पापा है? Wow, this is my best birthday gift ever.
सुपरस्टार करण खन्ना मेरे पापा हैं। खड़ी रहो चुपचाप, अब हिलना मत यहाँ से। मेरा बर्थडे है, आप मुझे डांट नहीं सकते। बिल्कुल डांट सकती हूँ, 12 बज चुके, तुम्हारा बर्थडे खत्म हो गया। मैंने 100% चला था, आपने कहा करण खन्ना मेरे पापा हैं। वाह, तुमने सुना था तो तुमने जाके पार्टी में सबके सामने अनाउंस कर दिया, ये नहीं सोचा मामा के लिए कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा। मैंने सुना था। टू का टेबल सुनाना। मुझे नहीं पता। टू का टेबल नहीं पता, लेकिन बड़ों में क्या बातें हो रही है वो सब पता है आपको, बहुत बड़ी हो गई हैं आप। तो सच में करण खन्ना मेरे पापा नहीं है? पिया, अगर करण खन्ना तुम्हारे पापा हैं, तो वो जो अंदर है वो किसके पापा है? बैंगलोर में हमारी खाना बनाने वाली आंटी बोलते थे कि वो मेरे मुंह बोले पापा है, वी बोथ नो। यू नो व्हाट, यू नो मोर देन यू शुड नो। बहुत हो गया, अब चलो। क्या करण पापा ने बड़े स्टार बनने के बाद आपको छोड़ दिया था? पिया, अब आपको सो जाना चाहिए बेटा, चलो कम ऑन। मम्मा वरी मत करो, मैं आपको और करण पापा को मिला दूंगी, प्रॉमिस, जस्ट लाइक इन द पिक्चर। हो गया, अब चलें सोने, चलो इनफ। 5 मिनट्स, फटाफट ब्रश करो और मम्मा अभी आ रही है, आई वॉन्ट यू इन बेड। ओके, बहुत बदतमीज हो गई है, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। ये सब देखो कितनी अच्छी तरीके से रखा है, ये मामले में बिल्कुल माँ पे गई है। थैंक गॉड। टिप्सी, आई नो कि तुम उस जोया की वजह से डरी हुई हो, बट डोंट वरी एंड ट्रस्ट मी, करण को कभी भी पिया की कस्टडी नहीं मिलेगी। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही? कौन सा कोर्ट उसे कोई बच्चा छोड़ेगा? वेद, तुम्हारा ये केस लड़ना जरूरी है क्या? कोई और भी तो कर सकते हैं। क्यों, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है? नहीं, मेरी लॉयल्टी हमेशा तुम्हारे साथ है, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट इट टू ऑल दिस। आई मीन, व्हाट्स द पॉइंट? व्हाई डू वांट टू मेक एनिमीज विद हिम? सब ठीक तो है? चेहरे से लग रहा है रात भर सोए नहीं। You're not looking that good. मेरे चेहरे की बात कर रहे तू? अपना चेहरा दिखा है? सूजन है, दाग है। मैं जानता हूं कि मैंने ही यह हाल किया है, लेकिन डॉक्टर के पास तो चले जा। कर रहा हूं ना होम रेमेडी। मैं थोड़ा मिडिल क्लास हूं ना, तो इतनी छोटी सी चीज पे पैसे क्यों खर्चे करूं? We have nothing in common. We have one thing in common. मेरे पास भी एक घरेलू डॉक्टर थी। Then I figured out she's a fraud. वैसे मैंने सुना है वो ही अब तेरे पास है। That was a cheap shot. पर हाँ, टिप्सी के ही घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर रहा है। हल्दी चूना। चूना बहुत अच्छा लगाती है। Enjoy this period. It won't last. चले। Yeah. We're up next. Good luck. मिस्टर खन्ना, डू यू प्लीड गिल्टी? मुझे क्यों पूछ रहे हो? मतलब मैं जो भी कहूंगा आप विश्वास करेंगे क्या? आई विल रिक्वेस्ट योर लॉयर टू एक्सप्लेन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू यू। आई एम सॉरी, देखिए सब लोग इसकी क्लाइंट पर ही विश्वास कर रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ कोई बिलीव नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए पूछा था। आई एम सॉरी योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन मिस्टर खन्ना की इस बात से पूरी तरह से अग्री करता है। क्या कर रहा है? व्हाट इज द प्लान? कुछ क्या पता योर ऑनर, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव केस है, वी नीड अ मीडिया गैग ऑर्डर। मेरी क्लाइंट मीडिया से बात नहीं करेगी, और ना ही मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना अपने वाइड फैन बेस और अपने रिसोर्सेज से इस केस को अनड्यूली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा इनका एटीट्यूड। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कल मिस्टर करण खन्ना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ही वॉन्ट्स टू पुट हिज साइड ऑफ द स्टोरी इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। एग्जैक्टली, ये मीडिया ट्रायल की बात कर रहा था मैं। लेकिन सनम मेहता अपनी साइड मीडिया के सामने ऑलरेडी रख चुकी है सर। उससे क्या फर्क पड़ता है, जजमेंट तो मेरे ही कोर्ट में होने वाला है ना। ये केस सब जुडाइस है, इसलिए अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट
कोई भी मीडिया से बात नहीं कर सकता है। अगली हियरिंग महीने की 25 तारीख को होगी। थैंक यू ऑनर। जस्ट तिवारी खड़ूस आदमी है, हमारा मीडिया क्या ऑर्डर पास नहीं करता। करण खन्ना को कोर्ट में पेश करके बहुत अच्छा किया। उपमन्यु ये सब क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल क्यों करना है? हे रेड करण, वन सेकंड। एक बात समझा, अगर तेरी क्लाइंट सच बोल रही है तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बोलूं उसे क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या फर्क पड़ता है? ओ वेट, सॉरी, फर्क पड़ता है। तुम्हारी अगली फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स पर फर्क पड़ता है। करण, नो वेट, तूने जानबूझ के सब कुछ किया। यू वांटेड द जस्ट टू गेट अगेंस्ट मी, दैट्स व्हाई यू हैव डन ऑल दिस। करण, तुम्हें ऑपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद अपने ऑपोजिशन हो। मुझे तो बस काउंटडाउन देना है। 3, 2, 1 बूम। करण प्लीज, करण स्टॉप इट। करण, वन सेकंड। Why are you making this personal? Personal तो आप बना रही हैं, मेरे घर आके। What? Tipsy को approach करके। करण, I can explain. One second, करण, करण listen to me. करण, someone had to do something. मुझे नहीं पता था वो Tipsy उस lawyer के साथ। What the fuck is wrong with you? I told you to stay out of this. उस औरत ने मुझे अपने सबसे बुरे वक्त में छोड़ा था। तुम उसी के पास गई help के लिए। How the hell could you do this? Karan, you stay the fuck away from me. मेरी बात समझने की कोशिश करो। करण, करण, प्लीज लिसन टू मी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे अपसेट हो, बट वी नीड टू फिक्स द डैमेज, वी नीड टू चेंज द स्टोरी। टिप्सी की एक 4 साल की बेटी है। आई मीन सीरियसली, इस सनम मेहता सेक्सुअल असॉल्ट वाली स्टोरी को अपस्टेज करने के लिए लॉस्ट एंड फाउंड डॉटर वाली स्टोरी परफेक्ट है। करण खन्ना जिसकी बेटी सालों पहले छीन गई थी, इट्स परफेक्ट। वो मेरी बेटी नहीं है। डज इट मैटर? हाउ डज इट? योर सिक्स वन, you stay the fuck away from me. Karan, Karan, please. Sir, ye telescope le lo na. Are, Karan Khanna, le lo na uncle, please. Mr. Khanna? Are, idhar aao, idhar aao. Kya kar rahe hain aap? अरे इतनी रात को ये क्या पड़ोसियों के घर में झांक रहे हैं? देखो ना, यहाँ देखो। What is this? देखो ना। I don't. हाँ, what? वो दो stars दिख रहे हैं एकदम बगल में। Yeah, what about them? I have named them after us. What? Happy anniversary, Mrs. Khanna. Oh, thank you, same to you. आपने मेरा gift online order किया था, वो delay हो गया। How do you know this? क्योंकि आप ये चांद तारे वाले हैं ही नहीं ना मिस्टर खन्ना। आई मीन आपका रोमांस थोड़ा यूनिक होता है लेकिन थोड़ा अजीब भी होता है। मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हो या क्रिटिसाइज कर रही हो? क्या फर्क पड़ता है? What matters is that I'm very 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 happy. Happy anniversary. आपको, मुझे और कुंफू पांडा को। यार, अच्छा एक बात बताओ, What are you going to wish for? I wish कि अगली दिवाली पे मैं आपकी नई फिल्म देखूं। कल उदयन आ रहा है प्रोड्यूसर को लेके हमारी एनिवर्सरी पार्टी। I really hope कि सब कुछ अच्छे से वर्कआउट हो जाए। कह रहा है मुझे जीने जा, तू ख्वाब सजा। क्या देख रही हो टिप्सी? कुछ नहीं, वो पिया के स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्टार्स फॉर्मेशन देखनी थी ना स्मॉग के बाद। आई नो इट्स योर एनिवर्सरी। दिस टू शैल पास। हेलो, कब आया? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सनम को ऑफिस में बुला, मैं अभी आ रहा हूं। क्या बात है, इज एवरीथिंग ऑलराइट? आजकल तुम
देर देर तक ऑफिस में रहते हो? हाँ ये करण खन्ना केस इज टेकिंग टू मच टाइम। अच्छी सुपरस्टार करण खन्ना पे मॉलेस्टेशन केस डाला था और उस केस में सबमिट किया हुआ ये वीडियो हमारे हाथ लगा है। सूत्रों के अनुसार ये लीक्ड वीडियो ही सनम के केस को हेल्प कर रहा है। देखिए कैसे करण खन्ना सनम का हाथ पकड़े उसे लेकर जा रहे हैं। ये सनम मेहता का पहला वीडियो है जो इंटरनेट सेंसेशन। आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। I have not leaked this video. पूरे दुनिया के सामने इस तरह से humiliate क्यों करूंगी मैं अपने आप को? मेरी first movie तक release नहीं हुई है. The world is going to see me for the first time. Not like this. ऐसे video में नहीं. हमारे वो वीडियो हमारी तरफ से रिलीज नहीं किया गया है। ये वीडियो जिसने भी रिलीज किया है वो अच्छी तरह से जानता है कि सारी उंगलियां हमारी तरफ ही उठेंगी और इसका सबसे ज्यादा फायदा हमें। That is just that dumb starlet's PR stunt यार। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। You just don't worry about anything. Okay, bye. मैंने कहा ना मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। करण, ये सिर्फ तुम्हारे सिचुएशन तुम्हारे रेपुटेशन का सवाल नहीं है। मेरे 120 करोड़ लगे हैं तुम पर। द सिचुएशन गेट्स फ्रॉम बैड टू वर्स। ये देखो सी दिस। ओह कम ऑन यार, दिस इज व्हाट दे वांट टू यूज एज एविडेंस अगेंस्ट मी। ये मेरे बर्थडे पार्टी का वीडियो है। शी वाजंट इनवाइटेड, आई वाज ट्राइंग टू थ्रो हर आउट। देखो देखो मैं गेट आउट बोल रहा हूँ उसको। करण, किसी के पास इतना टाइम नहीं है और इस रेजोल्यूशन पे तो किसी को समझ भी नहीं आएगा। My film is fucked, you are fucked. Sanam has really played it smart. हमारे gag orders and this video is really working for Sanam. और ये वैद ने अच्छा प्लान किया है। पहले ये gag order और फिर ये वीडियो रिलीज कर दिया। पिया चलो दूध पी लो बेटा। पिया तुम्हारे स्कूल की डायरी कहाँ है? फिर से छोड़ के आई हो स्कूल में? डायरी घर आती तो आप होमवर्क करवाती। यो कड़वले, सिर्फ एक इंसान और है जो मुझे तुम्हारे जितना परेशान करता है। करण खन्ना। मम्मा, अब आपके ये सच छुपाने की जरूरत नहीं। आई तो ऑलवेज न्यू। क्या, व्हाट डू यू नो? कि मैं एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार की बेटी हूँ। अब आपका एक्टिंग टैलेंट तो जीरो है, तो मेरे जीन्स कैसे टॉय होंगे ना? कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? हाँ, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यू टॉकिंग अबाउट? अब मम्मा, मैं सूर्यपति करण तो हो नहीं सकती, लेकिन करण खन्ना पुत्री जरूर हो सकती हूँ। एंड आई थिंक मैं बिल्कुल उनके जैसी लगती हूँ, डोंट यू थिंक? नो, यू नो व्हाट आई थिंक? कि तुम्हारा स्कूल जाना बंद करके तुम्हें कमरे में बंद कर देना चाहिए। घर पे पढ़ाई होनी चाहिए तुम्हारी। चाइल्ड हैरेसमेंट का केस कर देंगे वेद पापा, सो डोंट बॉदर। अच्छा मम्मा, हम कब जाएंगे मेरे सुपरस्टार पापा से मिलने? एक बार और अगर तुमने उस करण खन्ना को अपना पापा बुलाया ना, तो अपने लिए एक नई मम्मी भी ढूंढ लेना। ओके शांता, इसको लेके जाओ। कोई टैब वैब नहीं मिलेगा, ये कलरिंग बुक लो, पेंसिल्स उसको कलर पेंसिल दो पिलाओ और सुलाओ। कम ऑन, गो। चलो चलो, गो टू योर रूम। चलो बेटा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। ठीक है दीदी। पांच साल बाद क्यों? Why? After five fucking years, तुमने अब ऐसा क्यों किया है मेरे साथ? क्या पांच साल बाद क्यों? अभी भी एक्टिंग कर रही हो? Somebody give you a Oscar, why not? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि जिस लॉयर ने मेरे खिलाफ ये केस फाइल किया है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फक बड़ी है या एक whatever? मिनट मिस्टर खन्ना, वेद क्या करते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानती इस बारे में। Oh, really? You expect me to believe this shit? तुम्हें क्या लगता है कि मैं
सड़क का इंसान हूँ मैं, कल आया हूँ अलीबाग से, जो विश्वास कर लूंगा इस बात को, तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड मेरे खिलाफ ये केस फाइल किया है। एक लड़की से तुम झूठ बुलवा रहे हो कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती किया। अभी कम ऑन यार, कुछ नहीं किया है मैंने। ऑल राइट, सनम खुद आई थी वेद के पास। प्लीज अंडरस्टैंड, वी हैव नो इंटरेस्ट इन योर लाइफ, स्पेशली मी। एक मिनट, एक मिनट। यू माइट नॉट हैव इंटरेस्ट इन माय लाइफ, बट नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन योर लाइफ। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने जो रायता फैलाया, जो गंदगी फैलाई मेरी जिंदगी में, अब तुम उसे साफ करोगी। रियली, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। Are you sure about this? I have never been more sure about anything else, Mr. Karna. तुम्हारी एक बेटी है ना? आपसे मतलब? Don't get so defensive. मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। Now, if I'm not wrong, वो शायद 4-4.5 साल की होगी. Which means we were together at that time. So I'm thinking, अगर मैं कस्टडी केस फाइल करूँ, सिर्फ आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, right? वो आपकी बेटी नहीं है। Correct. ये मैं जानता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, तुम जानती हो वो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन प्रेस नहीं जानता, पब्लिक नहीं जानती, कोर्ट नहीं जानता। This man is wanting to get arrested. Press conference हुआ तो ये अरेस्ट हुआ। वेद, किसी और को बोलो ना ये हैंडल करने के लिए। दिप्सी, ये केस मैंने पिक एंड चूज नहीं किया है, सनम आई थी मेरे पास, एंड आई डोंट नो दिस बिकॉज आज मेरा मन किया कि मैं चलो करण खन्ना को अरेस्ट करूं। I do this because it's my work. Tell me something honestly. ये तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा काम है. This is your duty. There's nothing personal in this. Are you asking me to hold back because it is something personal? तिप्सी, तुम क्यों घबरा रही हो? क्या कर लेगा वो? मेरे लिए. एक बार fight back once. सर, खबर तो यही है कि करण अपने मोलेस्टेशन चार्जेस के अगेंस्ट बात करेगा। सर, आपके गैग ऑर्डर की ट्रिक तो काम कर गई। वंस करण इज हैंडकफ्ड, तुम भी फोटोज ले लेना। अब इतनी मीडिया आई है तो न्यूज मिलनी चाहिए ना उन्हें। अरे कामड़े, कार्यक्रम झालेगा शुरू। हो साहब, होते शुरू। अरेस्ट वारंट चेक के लिए साहब। हैंडकफ्स ये पण चेक के लिए साहब। वाग मारे, अपना कॉलर ठीक करो। सुपरस्टार को अरेस्ट करने जा रहे हो, फोटोज खराब हो गई तो? फोटो कैसे भी आए, पुलिस लेट नहीं आएगी। लेकिन हमें तो कहा गया था मिस्टर करण खन्ना इस बारे में खुद बात करेंगे। करण मोलेस्टेशन के बारे में बात नहीं कर सकता, आई अग्री, पर मैं तो बात कर ही सकती हूँ। स्मार्ट मूव। करण खन्ना चुप बैठने वालों में से नहीं है, एंड प्रेस नोज हाउ टू पुश हिज बटन्स। मैम, आप खुद एक औरत हैं और अभी आप एक ऐसे इंसान का साथ दे रही हैं जिसने एक औरत को असॉल्ट किया है। आपके सामने असॉल्ट किया मैंने औरत को, आपने देखा? Allegedly assault और molest किया है। Justice का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ही gender को support करूं। Case sub judice है और करण ने एक newcomer सनम के साथ काम किया है, उस पर बहुत बड़ा फेवर किया है। Well, मैं सनम को आपसे बेहतर जानती हूँ। She was an avid करण खन्ना fan. करण single है और वो इस चीज का फायदा उठाना चाहती है। करण हमेशा से उसे avoid करता था, पर she still crashed his party. जो video clip आपने देखी है, he is trying to drag her out of the party. पर हम क्यों बिलीव करें? आप एक बिजनेस वुमन है और करण खन्ना से तो आप पैसे कमाती हैं। और पैसों के लिए मोलेस्टर तो क्या, आप किसी रेपिस्ट का भी साथ दे देंगी। You're absolutely right. अरे वो देखो। अरे ये तो डॉक्टर नागराज है। करण खन्ना की वाइफ। ये यहाँ कैसे? ओह गॉड, ये यहाँ क्या कर रही है? डॉक्टर नागराज है। ये यहाँ कैसे? Shit. ये टिप्सी यहाँ क्या कर रही है? You're absolutely right. मिस्टर खन्ना चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, किसी का मर्डर ही क्यों ना कर लें, उनके फैंस हमेशा ब्लाइंडली उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, है ना मिस्टर खन्ना? कुर्सी लाओ। No, it's okay. I'm fine. सर, ये आपने बुलाया या खुद से आई है? तो आपको क्या लगता है, क्या ये गिल्टी है? Of course he is guilty. He is guilty as hell. In fact, ये मिस्टर खन्ना की परफेक्टली मैनिक्योर्ड इमेज जो है आप सब लोगों के लिए, आई मीन मीडिया के लिए, उसके पीछे की सच्चाई मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। इसलिए आप सबके सवालों के जवाब भी मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं दे सकता।
मैम आप क्या कहना चाहती हैं? आप करण खन्ना के साथ हैं या अगेंस्ट? अगर आज मैं यहाँ आके सच्चाई नहीं बताऊं, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। एक एंट्रैपमेंट की केस की वजह से उन सारे सच्चे केसेस पर, उन सारी लड़कियों पर लोग उंगली उठाते हैं जिन लड़कियों के साथ सचमुच कुछ हुआ है। ना मैं कोई जज हूँ, ना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हूँ। आई एम जस्ट अ वुमन जो चाहती है कि सच सामने आए। सी आई नो मिस्टर खन्ना इतने अच्छे इंसान नहीं हैं, ईगोइस्ट हैं, नार्सिसिस्ट हैं। इनफैक्ट आप उनके बारे में जो कुछ भी बात करना चाहते हैं, जो कुछ भी जानना चाहते हैं, मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल सेक्सुअल असॉल्ट का है, यू गॉट द रॉन्ग मैन। दैट्स नॉट ट्रू। आई मीन ये सिर्फ मैं ही नहीं, आई एम श्योर उनकी एक्स वाइफ का भी यही कहना होगा। सी आई अंडरस्टैंड कि आप लोग व्हाट्स योर नेम, जोया, या जोया की बात पे यकीन नहीं करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि जोया का मिस्टर खन्ना में कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट हो, आफ्टर ऑल दे आर वर्किंग टुगेदर। लेकिन मेरा मिस्टर खन्ना में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, नो अदर एजेंडा। अगर मैं कस्टडी केस फाइल करूं तो? वो आपकी बेटी नहीं है। करेक्ट, ये मैं जानता हूं कि वो मेरी बेटी नहीं है, तुम जानते हो वो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन प्रेस नहीं जानता, पब्लिक नहीं जानती, कोर्ट नहीं जानता। तो अगर मैं आज ही ये केस फाइल करता हूं तो कोर्ट सबसे पहले डीएनए रिपोर्ट मांगेगा। उस डीएनए रिपोर्ट में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, तुम्हारी बेटी को भी पता चल जाएगा कि वो वाकई मेरी बेटी नहीं है। विच मीन्स जब तुम मेरे साथ थी, तुम किसी दूसरे मर्द के साथ। आई डोंट बिलीव दिस, यू आर डिस्गस्टिंग मिस्टर खन्ना, कितनी गंदी सोच है आपकी। बुरा लगा? जब तुम्हारी गंदगी पूरी दुनिया के सामने आएगी तो बुरा तो लगेगा ना। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है और मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। Everybody thinks कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक औरत के साथ जबरदस्ती करेगा। I mean, come on यार, मैंने कभी अपनी बीवी के साथ भी जबरदस्ती नहीं की, किसी दूसरी औरत के साथ मैं जबरदस्ती कर सकता हूं? क्या चाहिए आपको? दो चीजें। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आओगी और मेरी तरफ से बात करोगी। तुमको जितनी गाली देनी है दे सकती हो, जितनी भड़ास निकालनी है निकाल सकती हो, बट आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू टेल द ट्रूथ। तुम सबको बताओगी कि मैं चाहे जितना भी बुरा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं जो कभी भी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर सकता। यू नो आई एम राइट एंड यू कैन से इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने जो गंदगी फैलाई है ना, अब तुम उसे साफ करोगे। और जो दूसरी चीज है ना, वो मैं कल तुम्हें बताऊंगा। बाय बाय। सो मिस्टर खन्ना में जितनी बुराइयां हैं, जितनी कमियां हैं, उनका काउंट तो शायद मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मिस्टर खन्ना किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना छुएंगे? नॉट पॉसिबल। लगता है आपने सनम मेहता की वो वीडियो क्लिप नहीं देखी जो वायरल हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है मैम कि आप अभी भी इनसे प्यार करती हैं? देखिए, मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है कि जो सच्चाई है वो आप सब लोगों के सामने आ जाए। आफ्टर ऑल उनकी बीवी रही हूँ मैं, रात दिन का साथ था हमारा, बहुत नज़दीकी से देखा है मैंने उन्हें, समझा है, इसलिए कह सकती हूँ। बीवी होते हुए भी इन्होंने मेरी मर्जी के बिना मुझे कभी छुआ नहीं, इसलिए ये सनम मेहता वाला वीडियो इस सच्चाई की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मीडिया ऑल्सो नीड्स टू बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। इतना ही कहना था मुझे, राइट? Yes, I think so. Thank you. सर, डॉक्टर नागराजन आने वाली थी। मुझे नहीं पता था। पर सर, आप लोग तो इतने क्लोज हैं, उन्होंने बताया नहीं आपको? सुपरस्टार करण खन्ना ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी बीवी ने तो उसे छोड़ दिया था ना, फिर ये वापस कैसे आ गई? पर ये बात तो आपको पता होनी चाहिए थी सर। क्या कहा था आपने? ये सब कुछ सेट है, बस तुम ये कर दो और फिर ये देखिए, उसकी बीबी जिसने उसे छोड़ दिया था आज उसी को डिफेंड कर रही है। कुछ तो है, we are definitely missing out on something. किसी ने उसको पैसे दिए होंगे? Is she the gold digging type? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, she had left her husband when he was nothing. बेरोजगार था वो। पैसे?
She's not that type. काफी devoted थी. अपने पति का ख्याल रखती थी. पर आपने मुझसे कहा था, they hate each other, right? Can you please tell me what's the real story? I hate you, Mr. Khanna. अपनी बेटी का इस्तेमाल किया. अगर एक बार भी कभी आपको छोड़ने के फैसले को मैंने डाउट किया था, तो आज मुझे विश्वास हो गया कि मैं गलत नहीं थी. मिस्टर खन्ना? हाँ हाँ टिप्सी बोलो. क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? सब लोग आ चुके हैं बाहर. Everyone's waiting for you. मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पार्टी क्यों रखी है तुमने. हमारी एनिवर्सरी है मिस्टर खन्ना, और आप जानते हैं कि उदयन का वो दोस्त आने वाला है जो आपका फैन है. मैं जानता हूँ, ये पार्टी उसी के लिए है, हमारी एनिवर्सरी के लिए नहीं है. क्या हुआ है आपको? क्यों इतना मूड खराब है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? चलो, लोग इंतजार कर रहे हैं. चलो, we'll manage without the crush. Yeah, yeah. Smile, smile. Excuse me. So nice of you to have come. Please come, come. Mr. Khanna. Thank you. Udayan. Mr. Khanna. इन्हें कौन नहीं जानता, the superstar. Also, her husband. Yes, of course, of course. It is for you. Oh, thank you so much. Just for her? Very big anniversary. No, actually, for both of you, I just thought like I should give it to the woman. I'm just kidding. वो मैंने आपको बताया था ना, वो उदयन के ही दोस्त हैं जो आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं. बहुत आसान कर रहे हैं आप ऊपर. Thank you for that. Please don't say that. But anything for Dr. Nagarajan. और एहसान, मैं आप पे नहीं, एक्चुअली अपने फ्रेंड पे कर रहा हूँ. आप जानते नहीं है कि किस पागलपन की हद तक आपका फैन है वो. He's a big fan. वो है कहाँ? या अभी तक आए नहीं वो. Not getting network here. Actually थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ, वहाँ नेटवर्क. I'll just be back. आइए. वो थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, घर पे नेटवर्क नहीं होता है, वहाँ पे अच्छा नेटवर्क होता है. भाई हमारे बॉस तो स्टड निकले. ये डॉक्टर नागराजन है ना, करण खन्ना ने इतनी बार पहले मुंह मारा है ना, पर अब अपनी बीवी को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा. अरे भाई, करण को पैरालिसिस है तो कैसे अपनी बीवी को खुश कर पाएगा? तो उसने ये काम आउटसोर्स किया है. इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी पढ़ा है सोशल मीडिया पे कि 2 हफ्ते पहले करण की वाइफ वॉज फाउंड इन अ मोटेल विद अ बॉस. अब तो बीवी को खुश करने के लिए उसे बॉस के पास तो भेजना पड़ेगा ही ना. ओके 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 ओके, यू फाइंड इट ना. ठीक है ठीक है. थैंक गॉड आपने मिल गया. मैंने सीज करन करना. बाय. वो बेचारा नर्वसनेस में कुछ बोल भी पाएगा या नहीं बच्चा. आउच. डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स. यू ओके दीदी? या दीदी, वो केटरिंग वाले आपको बुला रहे हैं. आते एक्सक्यूज मी. आई ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. उदय. मिस्टर खन्ना, ये प्रोड्यूसर फाइनेंसर जो भी है, क्या ये तुम्हारा इमेजिनरी फ्रेंड है? मिस्टर खन्ना, डॉक्टर नागराजन ने आपके सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में बताया था. ट्रस्ट मी, मेरा दोस्त जितना लेट आया ना उतना ठीक है. लोग कम रहेंगे तो वो कम एम्बेरस होगा. वो बताया था ना मैंने आपको, बहुत बड़ा फैन है आपका. और तुम मेरी बीवी का फैन हो ना? एक्सक्यूज मी. वैसे एक बात बताओ, तुम उसकी हेल्प इतनी क्यों कर रहे हो? व्हाट आई मीन टू से इज, अपने सारे एम्प्लॉयज की जिंदगी में इस हद तक घुस जाते हो? मिस्टर खन्ना, और टिप्सी ने कहा था. मिसेस खन्ना. ऑफ कोर्स शी इज नॉट टिप्सी फॉर यू. यस यस, शी इज मिसेस खन्ना. क्या? वन मिनट. माय मिस्टेक. इतनी फैमिलियरिटी क्यों हो गई तुम दोनों के बीच में कि तुम उसे टिप्सी कह के बुलाते हो? व्हाट द हेल इज दैट अबाउट? वन सेकंड. शी इज मिसेस खन्ना टू यू, इज दैट क्लियर? मोटेल में थे ना तुम लोग एक साथ? What exactly happened in there कि तुम अब इसे tipsy बुलाते हो? You are a creep, you know that? You still haven't answered the question. Question को dodge मत करो. What happened in there? Tipsy से पूछा आपने?
Did she dodge the question too? First you sleep with my wife and then you ask me something. You're disgusting. I'm ashamed of you. The truth is out. Happy anniversary, Mrs. Khanna. How did she agree to this? I mean, wo maan kaise gayi? This is the best thing which has happened to us. Pura media cycle badal gaya hai. I mean, 90% stories tumhare favor mein. मैंने तुम्हारा आइडिया यूज किया. आई यूज द किड. मैंने कहा कि मैं कस्टडी के लिए लड़ूंगा तो वो डर गई. तो क्या क्या आई मीन बच्चा तुम्हारा. आर यू मैड करण? कभी कभी तुम्हें लगता है कि काश ये बच्ची तुम्हारी होती. सॉरी आई केम विदाउट इन्फॉर्मिंग. वो मेरा एक बैग रह गया था, वही लेने आई. अभी चली जाऊंगी. टिप्सी, यू आर प्रेग्नेंट. तुम बच्चा चाहते हो मैं जानता हूं, लेकिन अभी कुछ दिन इसके बारे में सोचना बंद करो. और तुम मुझे कब बताने वाली थी एग्जैक्टली? एनिवर्सरी पार्टी के बाद बताने वाली थी, लेकिन लेकिन नहीं बताया. थैंक यू फॉर दैट. आई वाज राइट. आई वांटेड डीएनए टेस्ट. या आई वांट डीएनए टेस्ट. टिप्सी बस ये कह दो कि डीएनए की जरूरत नहीं है और ये बच्चा मेरा है. डोंट बॉदर. I'm the mother, so I can tell you for sure कि आप इस बच्चे के पिता नहीं हैं. Absolutely not. I hate kids. That woman has killed all my desire of having a child. Meri zindagi mein wapas aakar usne bahut badi galti ki hai. I'm going to make sure she regrets it. Ved ke ghar aate hi main use sab bata dungi aur wapas Bangalore chali jaungi. Kisi bhi keemat par mujhe Pia ko उस इंसान से दूर रखना है. आप यहां क्या कर रहे हैं? पैक योर बैग्स, यू आर कमिंग होम विद मी. व्हाट? सुनने में प्रॉब्लम है? Pack your bags, you're coming home with me. और हाँ, अपनी बेटी को भी साथ ले आना. This was not the deal. मैंने आपकी मदद की थी ताकि आप मुझसे और मेरी बेटी से हमेशा के लिए दूर रहें. एक मिनट. ये ममता का राग तुम मुझे मत सुना. तुम्हारी बेटी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. I'm only doing this for myself. I need to clean up my image. Okay? तो मुझे एक वाइफ और एक बच्ची की जरूरत है. Because लोग तो सोचते हैं कि मैं औरतों के साथ जबरदस्ती करता हूँ. मेरी बात कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है. इसलिए मेरी बीवी जब मेरी तरफदारी करेगी तो मेरी इमेज ठीक हो जाएगी. सो राइट नाउ आई नीड अ वाइफ एंड आई नीड अ चाइल्ड. दैट्स इट. सो आई नीड यू टू टॉक फॉर मी. जो तुमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किया था, बस कुछ और हफ्तों के लिए तुम्हें वो कैरेक्टर और प्ले करना होगा. एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट दिस. लविंग केयरिंग वाइफ का रोल निभाना तुम्हें तो बहुत पसंद आता है ना. 4 सालों से ये तो कर रही हो ना तुम.
उस लॉयर के साथ? तो बस कुछ और हफ्ते मेरे लिए कर लो, इट्स नॉट रियली अ बिग डील। और अगर नहीं किया तो मैं अपने लॉयर को फोन कर देता हूँ। पर हाँ, देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन टू पिया कि डीएनए टेस्ट क्या होता है। सो पैक योर बैग्स। मैं मिस्टर खन्ना के साथ जा रही हूँ। एक छोटा सा मैसेज और टिप्सी मेरी जिंदगी से चली गई। पिया को रोज मैं पिकअप करता था, सोचा यहां पर आज टिप्सी मिलेगी। शायद गलती मेरी थी, करण खन्ना को मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था। क्या कहा उसने टिप्सी से? जो टिप्सी पिया को उसके साये से भी बचाती थी, आज पिया को पिकअप करने के लिए करण खन्ना को भेज रही है। कौन सा ऐसा डर था जिस वजह से टिप्सी ये सब करने को मान गई? अभी तक लगे पड़े हो? टिप्सी ने मुझे कहा है पिया को पिकअप करने के। ये म्यूजिकल चेयर्स टिप्सी अपने हर मेल इंटरेस्ट के साथ खेलती है। पहले सब अच्छा रहता है, एवरीथिंग इज हैप्पी हैप्पी, बट व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्स, सिर्फ कुर्सी नहीं जमीन भी निकल जाती है नीचे से। अभी तू घर जा, बिकॉज राइट नाउ टिप्सी इज प्लेइंग विद मी। टिप्सी तुम्हारे पास है क्योंकि तुमने उसे ब्लैकमेल किया। Isn't it obvious? You're so pathetic, Karan. Oh, I'm pathetic. There's the man जो किसी दूसरे की बीवी और दूसरे के बच्चे की आस लिए बैठा है। क्यों भाई? तुझसे कुछ हो नहीं पाता। तुमसे तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी बीवी को वापस ब्लैकमेल करके बुलाना पड़ रहा है। अल्लाह, वैसे लास्ट आई हर्ड पिया तुम्हारी बेटी भी नहीं। पिया 4.5 साल की है। उस वक्त टिप्सी मेरे साथ थी, तो 90% चांसेस आर दैट शी इज माय डॉटर। अब हाँ, टिप्सी बाहर भी जाती थी तो 10% चांस है कि दैट शी मे नॉट बी माय डॉटर, बट वो मैं संभाल लूंगा। वाओ, आई कांट बिलीव टिप्सी वाज मैरिड टू यू। ओह, शी इज स्टिल मैरिड टू मी। डिवोर्स नहीं हुआ हमारा, और अब हम एक ही घर में रहेंगे, एक ही बिस्तर में सोएंगे। अब उसके ज्यादा मैं नहीं बता सकता, प्राइवेट बातें है ना। तो एक काम कर, तू घर जा, एक लार्ज पैक बना और गटक ले। देख, जब टिप्सी तेरे साथ थी तो वैसे भी तेरे को पीने का मौका तो मिलता नहीं था। अब मौका मिला, मैं तो कहता हूँ घर जा, पूरा देवदास बन जा, पैक पी और सोच कि तेरी पारो इस वक्त क्या कर रही होगी। करीन पापा। अरे आ गई मेरी बेबी, कम। करीन पापा, आज आप मुझे लेने आए? Say bye. Bye. पापा, आप मेरे लिए बिल्कुल वरी मत करना। Just think कि मैं हॉलीडे पर गई हूँ, okay? Bye. आप मेरे रियल पापा हो ना? आप मेरी बेटी जैसी हो, ऐसा समझ। हाँ आना, आपने मुझे पक्का जवाब नहीं दिया, मैं हूँ ना आपकी बेटी। इम्पोर्टेंट बात वो नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज से आप मेरे घर में रहेंगी मेरे साथ, और आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, टॉयज, गेम्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, सब कुछ। यू आर माय बेस्ट पापा। सुनो, ये हग वग नहीं करते, हाई फाइव कर सकते हैं? चलो आओ अंदर बैठो। डैड, आपको मामा की साइन करने आते हैं? नहीं, क्यों? आज टेस्ट था स्कूल में, सरप्राइज वाला, प्लीज कर दो ना साइन। तुम्हें आपकी डायरी के लिए मेरे साइन चाहिए, लेकिन तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें टेस्ट के लिए रेडी क्यों नहीं करवाया? कराया था, लेकिन मेरा ब्रेन छोटा है ना, मम्मा कहती है मैं अपने पापा पे गई हूँ। आई हेट इडलीज पापा, हु कैन लाइक इडलीज, आप ही बताइए। यार ये क्या है यार, जा तू। क्या हुआ? आई हेट इडलीज, व्हाट इज दिस? मिस्टर खन्ना, हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आपको खाना चाहिए, बच्चों की तरह टैंट्रम्स करने की जरूरत नहीं। मैं बच्चों की तरह टैंट्रम करूंगा, इनफैक्ट मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, मैं
अपने बच्चे के नाम पर प्रोटेस्ट करता हूँ। मेरा बच्चा ये हेल्दी ओट्स वाला नाश्ता नहीं करेगा। गधे और घोड़े का नाश्ता है ये। आपका बच्चा चाहे कुछ भी कर ले, आधे जीन्स तो उसमें गधे वाले आने ही वाले। ए, मेरा बच्चा पंजाबियों वाला नाश्ता ही करेगा, पराठे विद एक्स्ट्रा घी एंड वो सफेद बटर। अरे कौन सा बच्चा, किसका बच्चा? जल्दी भी आएगा। मिस्टर खन्ना प्लीज, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, जल्दी कीजिए। इसको इसके कमरे तक ले जाओ। जी सर। जाओ। करण, what is going on? News देखी मैंने, तुमने बताया नहीं, कम से कम फोन कर दिया करो करण। I know I'm busy, but मैं आ सकती हूँ। Wait, I'm going to book my ticket tonight and I'll be there tomorrow. Radhika, don't worry यार, this scandal video, everything is under control. वो झूठ बोल रही है, now everybody knows कि वो झूठ बोल रही है। I know करण, this is crazy. पर I'm glad that टिप्सी तुम्हारे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ कि टिप्सी तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई है। करण, तुम ज्यादा स्ट्रांग होते हो जब टिप्सी होती है तो। You know what, राधिका, you're my ex-wife, फिर भी तुम्हारा एटीट्यूड बदला नहीं है। You just always take me for granted. कभी तो मुझे क्रेडिट दे दिया करो। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था या क्या चल रहा है। This time, just make it work. Anyway, मैंने तुम्हें त्रिशा की शादी की शॉपिंग लिस्ट मेल कर दी है। जस्ट मेक श्योर की सारी चीजें प्लीज खरीद लेना टाइम से। और कुछ समझ ना आए करण तो प्लीज मुझे फोन करना, मेल करना या टिप्सी से पूछ लेना। यू नो व्हाट, एक्चुअली जस्ट आस्क टिप्सी, आई नो शी डू इट। ओके बाय। भैया हो गया ट्रांसफर। ओके थैंक यू। Don't give me that look, tipsy. हमें यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, कहीं और जाके बात करते हैं। तुमने कुछ बताया भी नहीं। You just left. नहीं बता पाए। Emergency थी। I know. करण पिया को लेकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। वो तुम दोनों को यूज कर रहा है ना? वो तुम दोनों को यूज कर रहा है एंड टिप्सी। प्लीज वो हमें यूज नहीं करे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ और अपने लिए नहीं, पिया के लिए करें। मैं नहीं चाहती कि बड़े होकर उसे ये लगे कि उसके फादर पे एक झूठा सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा और उसकी माँ ने सब कुछ जानते हुए भी उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा सारा नजरिया ही बदल गया? आई रियलाइज कि मैं गलत थी। मिस्टर खन्ना गलत नहीं है। दिस टाइम ही इज द विक्टिम एंड आई फील बैड अबाउट इट। झूठ। मैं तुम्हें जानता हूँ टिप्सी, 4 सालों से जानता हूँ तुम्हें। 4 साल से जानते हो ना, तुम मुझे तब नहीं जानते थे when I was in love with him. I was a different person around him. तुम्हारी एक यही बात पर मैं पूरी तरह से विश्वास कर सकता हूँ, that you love Karan Khanna. You're going to hurt yourself again. Karan बदल गया है, he's not the same man. You want to put yourself through the same pain again? Do I have a choice? I basically have to choose one pain over the other. रोज एक ऐसे आदमी के साथ रहना जो एक जमाने में आने में मुझसे बहुत प्यार करता था और आज मुझसे नफरत करता है। It is painful. But to lose my doctor to him, ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाह, क्या बात है! मेरी वाइफ किसी दूसरे मर्द के साथ स्नगल अप कर रही। मिस्टर करण, अपने दिमाग की सफाई करो। ओ, ले, 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 बुरा लग गया तुझे। तुम वरी, टिप्सी को बुरा नहीं लगा है। इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, ना 4 साल पहले पड़ता था ना आज पड़ता है ना टिप्सी, बोल दो। He's not worth it. Yeah, I'm not worth it. मेरे अलावा, इसके पति के अलावा हर मर्द worth it है, but I'm not worth it. टिप्सी, you don't have to take this hit. जो भी इश्यूज है, जो भी धमकी इसने दी है, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। He can't believe you like this. Come on. देख लो, आप लोग सब देख लो।
कैसे मेरी बीवी का हाथ पकड़ के ले जा रहा है ये? लोग काफी दूर खड़े तो शायद सुना नहीं उन लोग, लेकिन अगर 2 सेकंड में तूने ये हाथ नहीं छोड़ा ना तो मैं इतना चिल्ला के बोलूंगा कि वो लोग जरूर सुनेंगे। सर अगर आप इस तरह भाग जाएंगे इतने से पिटेगी जो केस। अरे भाई ये प्यार का मामला है, भाड़ में गया के क्यों? Now you get it tipsy. मेरे अलावा और कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, चले। Your Honor, आपने दोनों ही पार्टीज को मीडिया से बात करने से मना किया था। We respected the gag order. लेकिन इनके क्लाइंट ने ये वायरल वीडियो अपलोड करके इस केस को मैनिपुलेट और बायस करने की कोशिश की है। We are filing a defamation case against Sanam Mehta. Your Honor, Sanam Mehta ने कोई वीडियो वायरल नहीं किया है, किसी और ने वायरल किया है। We have no hand in it. Says the man who had his hand on my wife. Mr. Khanna. Mr. Khanna. Yes, what is it? आप ऐसे ही बदतमीजी किया कीजिए कोर्ट में, मेरा काम कम हो जाएगा। देख भाई, डायलॉग मारना मेरा काम है, तू रहने दे। और एक बात समझ ले, मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि मैं तेरे जैसे इतने बड़े वकील को भी बदनाम करके डिसबार करवा सकता हूं। But I'm not going to do that. You want to know why? I want you to fight me so that you lose, so that she loses. So like I said, good luck. Tell me. Cheers to Upamanyu. What? अरे आज तक सनम मेहता और उसका लॉयर हमेशा जीतते रहे हैं, आज तो उपमन्यु ने उन पर केस डाल दिया, सो चीयर्स टू अस। मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो सिर्फ 8 बजे। मुझे घर जाकर डिनर अपनी फैमिली के साथ करना है। आई मीन वो हैप्पीली मैरिड हस्बैंड का रोल जरा अच्छी तरह निभाना चाहिए ना मुझे लगता है। करण तुम ये रोल कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले रहे? लेना पड़ेगा ना। आई मीन थिंक अबाउट इट, सेक्सुअल असॉल्ट का मैटर है। दिस रोल प्ले हैज टू बी वेरी सीरियस, दिस होल थिंग हैज टू बी सीरियस, करेक्ट? चलता हूं। इसकी क्या जरूरत थी वेद? कौन लिया था फिर? Are you out of your mind, Mr. Khanna? Have you lost it? ये क्या कर रहे हैं? You almost killed him. अब यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर यहाँ पर मेरे ही घर में मुझे दिखेगा तो साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही ना। एंड यार I know you're desperate. I know तुम चाहती हो कि तुम इसके साथ जाओ, लेकिन तुम नहीं जा सकती। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। थोड़ा सब्र करो। Try and control your restlessness at least a bit. तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वाहियात बातें आती हैं हमें देखकर। भाई साहब मियां बीबी बात कर रहे हैं, बीच में बात। I don't believe this, Mr. Khanna. 5 साल के बाद मैं यहाँ आई हूँ। मुझे लगा था 5 साल में आप थोड़ा तो बदले होंगे, लेकिन नहीं। You just the same. आप बिल्कुल वैसे के वैसे, वही छोटी सोच और वही शक की बातें। You know what, Mr. Khanna? मुझे वेद से मिलना होता तो हम यहाँ आपके ड्राइववे पे नहीं मिलते। He has a 3 BHK, I have a 2 BHK. वो यहाँ पे पिया का सामान लौटाने आया था, और वो भी इसलिए क्योंकि you kidnapped her without my knowledge. ओह, इसीलिए आए हो? I'm so sorry.
एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलतफहमी हो गई, आई एम रियली सॉरी. एक काम करते, ये ना एक कार्ड रखो, ये लो मेरे इंश्योरेंस एजेंट का कार्ड है, जो भी डैमेज हुआ है ना मैं भर लूंगा. एंड आइंदा यहाँ पर आने की जरूरत शायद नहीं होगी, बिकॉज बहुत स्टाफ है मेरे पास. पिया का सामान, किसी का भी सामान खुद पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक है? और आप ऊपर तो चलिए, अभी बेडरूम सजाना है, सेंटेड कैंडल्स, सब कुछ मैंने इंतजाम किया हुआ है. ओके, हैव अ लवली इवनिंग. आई अगर मैंने टिप्सी के डर को सीरियसली लिया होता, उसे करण खन्ना से प्रोटेक्ट किया होता, तो बात यहां तक नहीं पहुंचती. आई कांट लेट दिस हैपन. टिप्सी और पिया को मुझे करण से प्रोटेक्ट करना था, और मैं करूंगा. मैं किसे पनिश कर रहा हूं, उसे या अपने आप को? टिप्सी और पिया को मैं यहां ले तो आया, लेकिन क्या मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाऊंगा? वो एहसास कि ये मेरी फैमिली हो सकती थी, जो झूठ हम दुनिया को दिखा रहे हैं वो मेरा सच हो सकता था. टिप्सी को मैंने जितना प्यार किया, फिर भी उसने मेरे साथ जो किया, उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए. हाँ दिव्य, वेद का नंबर मिल गया. अरे ओ मैडम, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ये हमारा बेडरूम नहीं है, गेस्ट रूम है ना. And if I'm not wrong, I'm a guest here, तो मुझे यही रहना चाहिए. उस लॉयर के साथ तो तुम एक साथ एक ही बेडरूम में सोती होगी ना? I think I got the wrong keys. मुझे गेस्ट रूम की चाबी दीजिए. नहीं दे सकता. You see, I don't have a guest room. I have my bedroom and I have this room which is for my fuck buddies where you're not allowed. तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. और वैसे भी ये नाटक क्यों कर रही हो? I know you're dying to sleep with me. चुपचाप आ जाना. I'll be waiting for you. जो हुआ है अब उससे बुरा क्या हो सकता है. मुझे बस ये याद रखना है कि आई वॉन्ट लूज माई कूल. ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ पिया के लिए कर रही हूँ. एंड आई विल बी आउट ऑफ योर सून, सो ब्रिंग इट ऑन मिस्टर खन्ना. आई एम रेडी फॉर इट.
तुम्हारी बिंदी ऑफ सेंटर है। प्लीज मिस्टर खन्ना। ओके ओके, वेट तू ही देख ले, ऑफ सेंटर है ना, तो बॉयफ्रेंड को ऐसे गुड नाइट बोलोगे कैसा दिखेगा यार। और इसकी नाइटी भी देख ले, डोंट यू थिंक मी। टिप्सी टिप्सी क्या हो रहा है? देखो पूछ रहा है क्या हो रहा है, मैं कमेंट्री दूं या तुम दोगे? टिप्सी टिप्सी तुम करण के बेडरूम में क्या कर रही हो? आई विल टेल यू एवरीथिंग बट फॉर नाउ जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस प्लीज। आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके गुड नाइट टिप्सी। इसीलिए लेकर आए थे आप अपने बेडरूम में मुझे? हमारे बेडरूम में? Are you forgetting? What do you want, Mr. Khanna? Nothing. लेकिन मैं अभी भी लेफ्ट साइड में सोता हूं। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कि मैं टिप्सी को हर्ट करूं, उसे इंसल्ट करूं, लेकिन उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसको हर्ट करने के चक्कर में मैं अपने आप को हर्ट कर रहा हूं। मैंने टिप्सी और पिया को घर लाके बहुत बहुत बड़ी गलती की। करण, यू सॉ द न्यूज, एवरीथिंग इज चेंज्ड। ओके देन, आई विल सी यू एट द ऑफिस। ओके बाय बाय टिप्सी। अरे एक मिनट। बाय बाय। क्या हुआ? इज समवन फीलिंग अ लिटिल जेलस? अंडरस्टैंड, after all, all this does belong to you, na? You know what, Mr. Khanna? I've had this enough for one year. Ab mera bilkul man nahi. So thank you, but no thank you for this second year. I see. Of course, how could I forget? Tumhe to naye taste, naye flavors ka shauk hai na ab. That's why. Hamare beech mein ek contract hai. Okay, that's why I'm here. Contract khatam hote hi sab kuch khatam ho jayega. I hope you remember this. थोड़ी मोटी हो गई हो। You need to take better care of yourself. Press का मामला है। People are going to take photos of us together. तुम्हारे उस लॉयर को शायद मिडिल क्लास भेंजी टाइप मंजूर होगी, पर मुझे नहीं। So take a little more care. What the fuck are you doing? You really need to wake up and smell the coffee, Mr. Khanna. एक महीने की तो बात है। एक बार त्रिशा की शादी हो जाएगी तो ये सब कुछ, ये नाटक सब खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ आपकी मदद कर रही हूँ। इस एक महीने के बाद आप मुझसे और पिया से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। कीप योर वर्ड एंड रिमेंबर दिस इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। करण के लॉयर ने डेफोमेशन का केस फाइल कर दिया है। उसकी वाइफ ने प्रेस कॉन में उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। हमें जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, मीडिया ट्रायल, वही हुआ। यूजिन से वीडियो वायरल हो गया। क्या मतलब? तुमने उन सारी चीजों को लिस्ट किया है जो इस केस को गलत साबित कर रही है, बट यू स्किप्ड द लीक्ड वीडियो। अगर आप उस इंसान को ट्रेस करने में फोकस करेंगे जिसने ये वीडियो एक्चुअल में लीक किया है ना, तो शायद हम इस केस पे फोकस कर सकें। सलम, तुम जानती हो ना कि लॉयर और डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलते। I don't believe you. Okay. Gag order के बाद प्रेस कॉन, उसके बाद डेफामेशन केस। इस वीडियो के लीक होने के बावजूद अगर किसी को फायदा हुआ है तो इट्स टू हिम। हमें जिस चीज से सबसे ज्यादा डर था, मीडिया ट्रायल, वो भी हो गया। इस सब के बाद आप मुझ पे शक कर रहे हैं। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब आजकल सब मुझसे यही कह रहे हैं, प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस।
हेलो। हाँ हेलो। 2 बजे मैरियट में लंच के लिए मिलते हैं। कल के पेज 3 के लिए कुछ अच्छी हैप्पी कपल फोटोज चाहिए मुझे। I have an appointment at 1:30. I can't come. 1:30 तुम्हारा अपॉइंटमेंट है तो मैं क्या करूँ? मतलब तुम क्या कहना चाह रही हो कि ये 2 बजे का टाइम तुम्हारे लिए कन्वीनियंट नहीं है? यू थिंक आई एम सपोज्ड टू केयर अबाउट दिस? यू थिंक आई गिव अ शिट? यू नो ये प्रेस मीडिया वाले हमारी फैमिली की हैप्पी हैप्पी फोटोज और मेरी वाइफ की हैप्पी हैप्पी फोटोज चाहती है, एंग्री बर्ड की कार्टून की नहीं। सो कैन यू ट्राई एंड स्माइल? सर वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी? यस आई हैव अ कॉफी टी। एम एक्चुअली यू नो व्हाट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इनको तो सब कुछ चलता है। इनफैक्ट शी लाइक्स टू ट्राई एवरीथिंग, है ना? बिल्कुल सही कहा मेरे हस्बैंड, मुझे अलग अलग चीजें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। So I think I will have a black coffee or no? Wait, get me a beer, vodka, whiskey on the rocks, and. एक काम कीजिए, आपके पास जितनी drinks है ना सब ले आइए। देखा क्या कहा था मैंने? जाइए जाइए लेके आ जाइए। जल्दी लाइए। Okay, so. You know, I know exactly what you're trying to do. तो मेरा इमेज खराब करना चाहते। करण खन्ना की बीवी होकर तो don't bother about my image, please. क्योंकि आज के बाद ना लोग आपको उस अल्कोहल लवर के पति के नाम से जानेंगे, so you should worry about your image. And let me think कि मैं किससे शुरुआत करूँ। This is good. Bye. अरे don't wait. There you go. अब ये मैं तुम्हारे बॉस को भेजूंगा। In fact, you can put this on your wall. No, don't. देखा, डरती हो तो फिर पंगा क्यों लेती हो? No, it's not about that. It's just that मेरी ऐसे फोटोज अच्छी नहीं आती। मेरा ये प्रोफाइल ना बेटर। So, this is the picture. You know what? Fuck you, Tipsy. Mr. Khanna, मैं आपको ना बोल चुकी हूँ। And a no means no, okay? No, please. Hi. Oh, hi. We were, you know, good friends. You know, हम दोनों ने एक रात hangout किया था। नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो introduce करा देता। It's okay. I understand. जब उम्र बढ़ती है तो याददाश्त कम हो ही जाती है। Look at me. मैं तो आपसे इतने साल छोटी हूँ। See, the body needs what it needs. इसमें एक दूसरे को जज करने की क्या जरूरत है, है ना? Excuse me. Hello? Yes, ma'am? What? नहीं पिया तो हाँ ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचती हूँ। Yes, हाँ thanks. अरे कहाँ जा रही हो? मैं पिया से बात करूंगी मैम। डॉक्टर नागराजन, the damage is already done. पिया सब बच्चों से कह रही है कि हाउ कूल इट इज टू हैव टू फादर्स, और बाकी बहुत पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही है। आई अंडरस्टैंड मैम, बट सी मेरी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इस समय, लेकिन बच्चों का क्या है ना, वो चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, सो इट्स मोर ऑफ दैट। ये 4 साल के बच्चे हैं, इन्हें इतनी समझ नहीं है। मेरी क्लास के कुछ बच्चे घर जाकर अपने पेरेंट्स से एक्स्ट्रा पापा की डिमांड कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ सॉल्व नहीं होता, हम पिया को बाकी बच्चों के साथ मिंगल अप नहीं होने दे सकते। आई एम रियली सॉरी। हाँ वे, हाँ पिया के स्कूल में यार द सेम मैटर दैट आई मैसेज्ड यू अबाउट। ठीक है आ जाओ, आई एम वेटिंग। बाय। वेद सक्सेना, आपके लॉयर, और पिया को इन्होंने एडॉप्ट किया है ना। डॉक्टर नागराजन, अगर आप हमें थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। प्लीज लिसन टू मी, पिया इज ऑल ऑफ 4 years, अगर उसने कुछ बोल दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 4 शादी करिए या 6 शादी करिए, बट पिया इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ कैन यू टीच हर सच स्टफ? एंड व्हाट द हेल आर यू टीचिंग द स्कूल किड्स ओवर हियर मैडम? मिस्टर खन्ना, द सेकंड डैड। एक्चुअली मैं पहले आया था, लॉयर बाद में, सो आई एम द फर्स्ट फादर टेक्निकली। इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड लाइक टिप्सी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। तो आप भी अपना लॉयर साथ लेकर आए हैं?
ये लॉयर का चक्कर सिर्फ मेरी बीवी को पसंद है. आई एक्चुअली हेट लॉयर्स. आई थिंक दे फुल ऑफ शिट. नो ऑफेंस भाई. मैं मीडिया का आदमी हूं यार. सारी जिंदगी भी मीडिया में रहा हूं. ये उमंग है. ही इज माई पब्लिसिस्ट. Why I've got him here is because ये हमेशा कंप्लेन करता रहता है that I never give him a scoop, a scandal, an interesting story. So I've got him here today. Mr. Khanna, ये क्या बकवास है? अरे मैं समझाता हूँ. I will paint you the entire picture. After that, you decide कि ये बकवास है या breaking news है. 4 से 5 साल बाद मुझे मेरी फैमिली वापस मिली है, मेरी बीवी वापस मिली है, मेरी बेटी वापस मिली है. लेकिन एक स्कूल की प्रिंसिपल हमें ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं और हमें पनिश करना चाहते हैं. हम कोर्ट में नहीं जाने वाले हैं इसके साथ. हम सीधा प्रेस में जाने वाले हैं इसके साथ. सो यू कैन गेट अ डे टू डे अपडेट. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? एक बेटी को अपने पापा से दूर करता हुआ ये स्कूल. फैंटास्टिक. व्हाट अ टैगलाइन. पापा आप भी आए. हाय हाय बच्चा. प्लीज जरा बाहर जाओ. आई नीड टू टॉक टू. Bye, baby. Mr. Khanna, we can just, I think, sit and talk about it. ये इतनी सी बात का इतना. You listen to me, Principal Bedi. You think I don't know what you're trying to do? मेरी बीवी मासूम है. She's innocent in matters like this. वो समझ में नहीं पा रही कि आप क्या कर रहे हैं. But I've dealt with people like you my entire life. आप मेरी बेटी को इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि उसने एक दो बातें बोल दी. आप मेरी बेटी को इसलिए निकाल रहे क्योंकि आप उसकी माँ को, मेरी वाइफ को जज कर रही हैं. जस्ट बिकॉज शी हैज अनदर मैन इन हर लाइफ. मेरी भी एक बीवी थी पहले. टिप्सी इज माय सेकंड वाइफ. डज दैट मेक मी अ क्रिमिनल? व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर डूइंग? आपको क्या लगा कि आप मेरी बीवी के साथ ऐसा करेंगे और मैं आपको करने दूंगा? डोंट यू नो हु द फक आई एम? यू वांट टू नो समथिंग? जब मैं उसको देखता हूं ना, पिया को, आई फील प्राउड. टिप्सी ने सिंगल हैंडेडली अकेले उसकी ऐसी परवरिश की है दैट आई फील प्राउड ऑफ टिप्सी. और आप उसे ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं? अगर हम सबको एज अ फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन व्हाई द फक आर यू ट्राइंग टू बी अ मॉरल पुलिस फॉर माय फैमिली? यू वेट एंड वॉच नाउ. हाउ सून कैन दिस न्यूज़ बी इन द पेपर? आज शाम तक सर. मिस्टर खन्ना. नो, यू लिसन टू मी नाउ. आई डोंट वॉन्ट पिया इन दिस स्कूल एनीमोर. क्योंकि जब ये न्यूज आएगी ना, हर स्कूल पिया को एडमिशन देगा. लेकिन आपके स्कूल का और आपका क्या होने वाला है ये आप सोच भी नहीं सकती. गुड लक टू यू. लेट्स गो. मिस्टर खन्ना. मिस्टर खन्ना, ये बात बेकार में ही इतनी बड़ी हो गई. पिया बेटा, प्लीज गो टू योर क्लास. नो, आर यू श्योर? बिकॉज आई एम नॉट श्योर एनीमोर. नहीं, मुझे अपने पापा के साथ जाना है. पिया, लिसन टू मी, गो टू योर क्लास. हाँ, अभी क्लास में जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ. ये लो अपना बैग, लो, गो टू योर क्लास. थैंक यू. चले. थैंक यू. आई मीन हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद भी आपने आकर इतनी अच्छी तरह से सिचुएशन को संभाला. थैंक यू वेरी मच. ऑल्दो आई वंडर कि आपको ये करने की क्या जरूरत थी, बट स्टिल. ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, पिया के लिए किया. आई कांट एक्सप्लेन इट, बट देयर इज समथिंग अबाउट हर. उसको देख के कभी कभी ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल मेरे जैसी है, और फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी. बट तुम्हारी जिंदगी में जो भी आदमी आया है सबको शायद ऐसा ही लगता होगा ना. अद्दू कद्दू, उदयन, पलाश, लॉयर, सब यही सोचते होंगे. एक्चुअली वो है किसकी बच्ची ये तो बता दो. आपके अलावा जो बाकी 4 आदमी है ना मेरी जिंदगी में, वो भी यही सोचते रहते हैं है किसकी. इनफैक्ट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. आप सब लोग मिलकर इनकी पिंकी पोंकी करके डिसाइड क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं पिया की माँ और बाप दोनों हूँ.
और अगर आप पिया को जानते तो समझ पाते that I have done a great job by myself. You know, there used to be a time जब मैं ये बातें सुनकर ऐसा सोचता था कि wow, what a woman, what a catch, but not anymore. ओहो वाह क्या एंट्री है व्हाट अ लॉयर है डोंट वरी टिप्सी आई विल मेक श्योर कि स्कूल पर ताला लग जाए इफ दे डेयर थ्रो पी आउट ओहो हो हो भाई साहब यू आर लेट केस खत्म हो गया तू पैदा भी लेट हुआ था ना खैर जाने दे हम चलते हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लेट चले कम वेद मेरी लाइफ का फिट एंड फॉरगेट हिस्सा है बिना बताए बिना कोई सवाल किए बिना जज किए ही अंडरस्टैंड्स मी लेकिन हमारी दोस्ती एक मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू हुई थी यू आर द लॉयर एंड यू आर प्रेग्नेंट व्हाई आई कांट बी प्रेग्नेंट आई मीन आपने बताया नहीं था मुझे पहले कि आप नॉन प्रेग्नेंट विमेन के साथ डील नहीं करते तो बैंगलोर हैज बिकम सो हॉट एंड नॉइजी टू एनीवे लेट्स गेट टू द बिजनेस यस स्ट्रेट फॉरवर्ड गुड एक्चुअली मैं इन सब बातों में थोड़ा सा स्लो हूं आई एम न्यू टू दिस स्लो इज फाइन बट न्यू आई मीन आई मेड इट वेरी क्लियर कि मुझे इस काम के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान चाहिए ओह दैट्स रूड एक्चुअली इतना भी इनएक्सपीरियंस नहीं हूं मैं नहीं अभी आपने कहा ना आप न्यू हैं लिसन इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस आई एम नॉट गोइंग टू पे यू फॉर दिस हैंग ऑन पे फॉर व्हाट आप मेरे लिए ये फ्री में करने वाले हैं Pay you for your skill set. God, seriously? Are you saying this? मेरे friends ने मुझे blind date पे भेजा था. What? Do you think I'm a gigolo? No. Oh, carry on. Listen. I really don't care who you are. Okay? Tipsy lawyer से मिलने आई थी. और मैंने सोचा मैं blind date पर आया हूँ. मैं वैसे भी यहाँ पे बैंगलोर अपने फ्लैट की डील करने एंड आई वाज सपोज्ड टू मीट अ लॉयर बट आई जस्ट थिंक आई वेस्टेड माय टाइम बाय कमिंग हियर बिकॉज़ आई कांट ट्रस्ट यू एट ऑल सॉरी एक्चुअली मेरे असिस्टेंट ने शेड्यूल गड़बड़ कर दिया एक्सपेक्टेड योर असिस्टेंट ना एक्चुअली आई एम ऑन अ ब्लाइंड डेट आई वाज रूड आई एम सॉरी प्लीज स्टे प्लीज हैंग आर यू रियली अ लॉयर आर यू रियली प्रेग्नेंट एक्सक्यूज मी I'm just joking. अब blind date पे, I mean so called blind date पे आया हूँ तो coffee तो पी लीजिए, please. And I'll prove to you that I'm a lawyer. Come on, sit, please. वेद मेरे lawyer से मेरा पड़ोसी और मेरा best friend बन गया. पिया को अगर किसी ने सबसे पहले हाथ में लिया, तो वो वेद था. या क्या हुआ रोशन के पापा से लेने आ गए चलो तो फिर हम भी चलते हैं ना पापा क्या होता है बट जैसे मम्मा आपका ख्याल रखती हैं मम्मा आपको खाना खिलाती हैं वैसे ही पापा भी बेबी का ख्याल रखते हैं तो मम्मा पापा में क्या डिफरेंस बेटा जिस बात पे मम्मा डांटती हैं पापा वो बात सुनते हैं सच में हाँ कुछ भी हाँ और पापा शॉपिंग कराने भी ले जाते हैं और वो आपके साथ रहते हैं आपके जैसे तो आप मेरे बेस्ट पापा हो ना
हाँ, मैं आपका बेस्ट पापा हुआ, बेस्ट पापा। और एक दिन ऐसे ही वेद मेरे बेस्ट फ्रेंड से पिया के बेस्ट पापा बन गए। बेबी, आई लव यू यार। आज भी जब तुम मेरे सामने होती हो ना, मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सगाना, इस तरह की वाहियात बातें बिल्कुल मत कीजिए। आई मिस यू यार, आई मिस योर स्माइल, आई मिस योर खुशबू, आई मिस एवरीथिंग। यू नो व्हाट, मैंने पिया को बहुत मुश्किल से सुना है, लेकिन ये बातें अगर आप बंद नहीं करेंगे ना, तो मैं इतनी जोर से चिल्लाऊंगी कि पिया के साथ साथ घर के बाकी लोग भी जगे। तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। स्कूल में आपने मेरी मदद क्या कर दी? आपको लग रहा है कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी? यू डोंट स्टार्ट ऑल दिस विद मी, ओके? नाज, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मेरी हाउसकीपर शोर कर रही है। बाय। फोन पे बात कर रहा था। एंड बाय द वे, यू एक्चुअली थॉट दैट आई वुड कॉल यू बेबी। बाज ज्यादा सूट करता है तुम्हें। बाज से याद आया, भेड़े करती है ना बाबा। हाँ, सो ये मिस्टर खन्ना, कि आपको देखे ऐसा लगता है कि अभी अभी आपने 3 भेड़े निकल ली। भूल गई तो मुझे कुंग फू पैंडा करके बुलाती थी। आई थिंक दैट स्टिल टर्न्स यू ऑन, डजंट इट? चार्जर ढूंढ रही थी ना, इधर पड़ा है। यस त्रिशा, बोल। मिस्टर खन्ना, ओ डॉक्टर नागराजन। आप, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, प्लीज आप रुकिए, आउटसाइडर्स तो मैं और मम्मा है, राइट? त्रिशा, तो ऐसे क्यों बात कर रही है? ओ प्लीज मिस्टर खन्ना, मैंने आपसे कभी नहीं पूछा आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना? तो प्लीज आप भी मुझसे मत पूछिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अच्छा, फोन क्यों किया? मम्मा ने कहा था आपसे बात करने के लिए, वो आपको कन्यादान के लिए कुछ चीजें लानी है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। त्रिशा बेटा, ओ गॉड मिस्टर खन्ना प्लीज, आपकी एक और बेटी है ना, उसकी जिंदगी बर्बाद करने में लग जाइए, प्लीज मुझे बख्श दीजिए। लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो एक ड्रिंक के बाद सॉल्व नहीं हो सकती। Everyone said we were the perfect family. Did I take that for granted? मैंने कुछ गलत किया क्या? Did I let something precious slip from between my fingers? बैठ जा यहाँ पर, बैठ। अरे मैडम, मेरे नाम की बैंड बजाना बंद कीजिए। मेरे नाम की ये बताइए, हम ये आर्यन खान के मंगले सामने कर क्या रहे हैं? अरे सनम यहाँ पे आने वाली है ना, इसलिए। तू मैंने बताया ना, सनम मेरे कोको के साथ गेम खेल रही है। Won't leave her. अरे यार, सनम यहाँ अपने काम के लिए भी तो आ सकती है। उसने आर्यन खान के साथ 3 मूवी साइन की है। वाह 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 वाह, वही तो, जब इंडस्ट्री के सारे मर्द सनम से भाग रहे हैं, आर्यन खान को उसकी बहुत प्यार आ रहा है। तो अरे मैं बता रही हूँ, आज बहुत धांसू खबर मिलने वाली है। मेरी दाएं बाएं दोनों आंखें फड़क रही है। या तो आज बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, या बहुत बुरी खबर मिलने वाली है। देख देख, कैमरा निकाल निकाल निकाल। सर, सनम मेहता का वीडियो सोर्स इस आईपी एड्रेस से है। वेद, दिस इज द पर्सन, नेम एंड रजिस्टर्ड एड्रेस। आर यू श्योर? इट कांट बी। उमंग ने बताया कि तुम टिप्सी की बेटी के स्कूल गए थे। हाँ, वो आई वॉज वर्किंग ऑन अ स्टोरी फॉर यू, लेकिन फिर उस प्रिंसिपल ने उसे वापस स्कूल में ले लिया, तो स्टोरी डिडंट क्वाइट वर्क आउट। करण, स्टोरी तो तुमने किल की है। तुम नहीं जाते स्कूल में, प्रिंसिपल नहीं मानती, और हमारे पास आज शाम के लिए अच्छी वाली स्टोरी होती न्यूज़पेपर में। व्हाट द फक, तू यहाँ भी पहुंच गया? व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू? मतलब तू हर जगह पहुंच जाता है मेरे मार खाने। नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज विथ यू एंड विमेन, ऐसा क्या है तुम में विच
inspires so much backstabbing and disloyalty. You know what? अपनी इनसिक्योरिटीज मुझ पर प्रोजेक्ट मत कर. जस्ट बिकॉज टिप्सी ने तुझे छोड़ दिया है तो ये सब बकवास. ब्लैकमेल करके तो कोई भी किसी को मजबूर कर सकता है. एक सेकंड. व्हाट डू यू वांट मिस्टर सक्सेना? टू अरेस्ट यू. व्हाट? एक्सक्यूज मी. ये मेरे नहीं. ऐसा है, वाघ मारे की विश लिस्ट पर है. But... क्या हुआ करण? कुछ समझ में नहीं आया. कैसे हुआ पूछना चाहते हो? डोंट वरी, मैं बताऊंगा तुम्हें. वाघ मारे? सनम मेहता का वीडियो इसी ऑफिस के आईपी एड्रेस से लीक किया गया था. जोया हुसैन के लैपटॉप से वीडियो पोस्ट किया गया. मैम, आपको हमारे साथ चलना होगा. ऐसा वाघ मारे ने अपनी तरफ से जितना हो सके समझा दिया कर. अभी बाकी तुम जोया से पूछ सकते हो. और मे बी यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि क्या है तुम. That all your women hate you. Karan, I didn't do it. मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? Maybe इन्होंने आपको humiliate किया होगा, belittle किया होगा, use किया होगा, या treated you like shit. अब जब तक मिस हुसैन बताएंगी नहीं, no one will know. At least this time I'm not late. राइट करण. करण, यू नो इट, ये सनम की ट्रिक थी. डोंट फॉल फॉर इट. करण, एनीवन हु लव्स यू और सपोर्ट्स यू, यू डोंट ट्रस्ट देम. सीरियसली, मे बी यू नो दैट यू डोंट डिजर्व दैट लव एंड सपोर्ट, स्पेशली मेरे से आए या किसी और से. मैं उपबनियों को पुलिस स्टेशन भेज दूंगा. सीरियस? जी मैम, जिन फ्लावर्स का मुझे ऑर्डर मिला था ये उसका बिल है. और मैम, अगर कुछ एडवांस मिल जाता तो मैं प्रोसेस शुरू करवा देता. वैसे शादी तो 15 दिन में ना. 50,000 पर टेबल? जी मैम, हर टेबल पर इन फ्लावर्स का वास लगेगा और बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स लगाऊंगा मैम. भैया, फ्लावर्स ही लगा रहे हो ना, फरारी तो नहीं लगा रहे. प्राइस क्यों नहीं लगा रहे फिर फूलों वाला? कुछ भी रेट लगाया हुआ है मतलब. सोचना चाहिए ना. लेट मी जस्ट कंफर्म. What the hell was the big emergency, huh? What is this 8 missed calls? पहली ही बार में फोन उठा लेते तो एक भी मिस कॉल नहीं होता. You're not my wife, so stop confusing yourself and just tell me फोन क्यों किया? त्रिशा की शादी के लिए फ्लावर डेकोरेशन वाला आया था. बहुत सारे पैसे चार्ज कर रहा था. He was too expensive. हेलो हेलो हेलो. त्रिशा की शादी की बात चल रही है. I don't give a shit how expensive he is. मिस्टर खन्ना, वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा था. You know what? I got us a discount of 1 lakh rupees. मैंने उसको 1 lakh rupees. वाह वाह वाह, क्या बात. That is the problem with you fucking middle class people. पैसा पैसा पैसा, that's all you can think about. इसमें पैसे की क्या बात हो गई भाई? You're shouting at me. मैंने पैसे बचाए हैं, एक्स्ट्रा खर्च नहीं किए हैं. You owe me. That is why I'm shouting at you. I don't want to owe you. You know what? Hold on. What is your problem?
ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर खन्ना? होल्ड ऑन, व्हाट आर यू डूइंग? 1 लाख बोला था ना, फिर 1.5 लाख का बना रहा हूं। कंसिडर इट अ टिप। एक्चुअली होल्ड ऑन, ये भी मत ले। ये 2.5 लाख का चेक, अपने आप को भी और उस गेट को भी टिप दे देना, ओके? एक मिनट रुकिए मिस्टर खन्ना। ये काम है। Excuse me? I mean, डेकोरेशन वाले से डिस्काउंट लेने के लिए आपने फीस दी है ना मुझे मेरी? तो? मैं तो आपके लिए बहुत सारे काम और भी करती हूँ, उसका क्या? What about that? क्या काम करती हो तुम मेरे लिए? अरे आपके साथ बाहर जाती हूँ, कॉफी पे, लंच पे, मीडिया के सामने आपकी बीवी बनकर, और आपके साथ दिन रात आपके घर में रहती हूँ, एक एक घंटा आपको झेलती हूँ, उसका क्या? You owe me a lot more actually. I see. तो ये सब पहले दिन बोलने से शर्मा रही थी तुम? You know money is no problem for me. क्या रेट है तुम्हारा? रेट कार्ड या कुछ तो होगा ना? आपके लिए स्पेशल रेट्स। आपके साथ प्यार करने की एक्टिंग भी करनी पड़ती। Oh no no no, you're a pro at that, aren't you? More प्यार, more price. अच्छा, एक बात बताओ, हाथ पकड़ने का कितना लेते हैं? या फिर अगर कंधे पे हाथ रखना है तो उसका कितना है? और what if I won't hug you? Please Mr. Khanna. How much you charge for that? Please Mr. Khanna. क्या हुआ, रुक गई? What happened? बोलो ना, रुक क्यों गई हो? How much you charge for that? एक काम करती हूँ, आपके लिए इतना सब कुछ करती हूँ ना कि थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। एक दिन का टाइम दीजिए, मैं एक लिस्ट बनाती हूँ और कल आपको उसका बिल भेज देती हूँ, ऑलराइट? Absolutely. Just that question. वेद को कितना चार्ज करती हूँ? I'm sure you give him a nice juicy discount. No. उसे चार्ज नहीं करते, उसके लिए फ्री। एक्चुअली यू नो व्हाट मिस्टर खन्ना, ही इज सो गुड कि मुझे लगता है मुझे उसे पे करना चाहिए। जब ऐसे ब्रश करती हूँ ना, बहुत क्यूट लगती है। मिस्टर खन्ना, आप ये कपड़े फ्लोर पे क्यों डालते हो? बास्केट में डाल सकते हैं ना। अरे सुनो सुनो ना, जानबूझ के कपड़े ऐसे नीचे रखता हूँ क्योंकि उठाने के लिए जब तुम ऐसे बेंड करते हो ना तो बहुत सेक्सी लगते हो। माय गॉड, और एसी रात को इतना तेज क्यों चला रहा है? अरे तुमको सर्दी लगती है तो तुम मुझसे स्ट्रगल किया करो ना। दैट्स व्हाट आई एम देयर फॉर। हां लेकिन मुझे तुम्हारी वाली स्मेल चाहिए, समझा करो। उसमें थोड़ा सा जैस्मिन ऑयल डाल लीजिए। एक मिनट यार, तुम्हें नहीं लगता कि तुम शादी के बाद थोड़ी सी कैक्टसी टाइप हो गई हो? अब हमारी शादी हो गई है, मुझे मौका मिला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों के बीच हमेशा किसेबल डिस्टेंस रहना चाहिए। रियली? हाँ। मिस्टर खन्ना, डोंट बी। अच्छा अब लेट नहीं हो रहा तुम्हें? इस आदमी के साथ कॉन्स्टेंटली लड़ाई करने के लिए अपने आप को मजबूर करती रहती हूँ। अंदर से मन कहता है कि अब सहा नहीं जाता, शायद इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें इतना प्यार किया है। लेकिन जिस दिन ये केस खत्म होगा, त्रिशा की शादी के सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगी, उनका नाम भी साफ कर दूंगी। उसके बाद मैं पिया को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मिस्टर खन्ना, आपको मुझे और मुझे आपको टॉलरेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस बार मिलने का दर्द थोड़ा ज़्यादा ही होगा।
जोया मैम से करण सर बात तक नहीं कर रहे। जिस तरह जोया करण को सपोर्ट करती है ना, वैसे और कोई नहीं करता है। करण इम्पल्सिव है, स्टूपिड डिसीजंस लेता है। जोया उसकी सेफ्टी चेक थी, बट नाउ ही इज ऑल अलोन। बट आर्यन सर, अगर जोया मुझे सस्पेक्ट करेगी तो? दिव्या, तुम घबरा क्यों रही? तुमने जो किया ना, और कोई नहीं कर सकता था। ये केस तुम्हारे बिना पॉसिबल ही नहीं होता। ये वीडियो तूने जोया के लैपटॉप से अपलोड करके सबसे अच्छा काम किया है। अब करण को यही लगेगा कि जोया उसके पीठ पीछे सनम को हेल्प कर रही है। दिव्या, अब मैं चाहता हूं कि तुम करण के करीब रहो, क्योंकि जोया के बाद अगर करण किसी को ट्रस्ट करता है तो तुम हो। By the way, टिप्सी और करण की डील क्या है? Are they still together? रोमिला, तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ? दीदी, do you love me? दीदी, हमारे प्यार की कसम दीदी, मुझे बताना है। I don't believe this. तो अब भी करण खन्ना का पीछा कर रही हो? अभी तक? Move on. दीदी, अभी काहे का move on? अब तो मैं legit हूँ। मेरे खुद की डिटेक्टिव एजेंसी है दीदी, अब तो मैं ये पूरा जस्टिफिकेशन के साथ कर सकती हूँ ना। रियली रोमिला? यस। तुमने करण खन्ना के अलावा आज तक कोई केस लिया है? एक्सक्यूज मी दीदी, मीरा को कभी आपने क्यों पूछा है? एक्सक्यूज मी मीरा, कृष्णा के अलावा तुम किसी और के भजन गाओगी? नो ना, ऑफ कोर्स नॉट। दीदी मैं कह रही हूँ, ये जो करण की मैनेजर है ना, वो बहुत बड़ा झोल करने वाली है। ऑनेस्टली रोमिला, ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैनेजर सनम, आर्यन, ये सब लोग मिले हुए हैं। यस, ऑब्वियसली दीदी, तुम मेरे दिल पर, मेरे जानू, मेरे जाने मन के साथ हो ना, तो मुझे बताना पड़ता है आपको। देखो, ये जो मैनेजर है ना, वो जितनी सीधी दिखते है उतनी टॉइंग है वो। पता है, वो करण के साथ कुछ कुछ तो करने वाली है। सब सोया ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए आप दिव्या, यू आर स्टिल माय मैनेजर, ओके? चल। थैंक यू सर। तुमको मैं ऑफिस में मिलता हूँ। श्योर सर। और आपको क्या चाहिए? चेक चाहिए, ऑफ कोर्स, शाम तक मिल जाएगा। बाय द वे, अभी अभी तुम आई थी थोड़ी देर पहले, अब तुम जा रही हो? आज तो संडे है, आज कहाँ जा रही हो? चैरिटी। हाँ वेद, या या, आई एम ऑन माय वे। या ओ, तू कितनी ग्लो कर रही है, कितनी क्यूट लग रही है प्रेग्नेंट में। अरे बहन, प्लीज बहन, कितना हक करेगी यार, आराम से। Doesn't she look beautiful? Of course she does, she. Yeah, right. If Santa Claus is your type. Sherry, sorry bolo. Sorry na babu. You know, pregnancy hormones, you know. I know, baby. Behan, tune kaise manage kiya tha Pia ke time pe? You know, aajkal mera constant status hota hai that I want to punch you in the face. Acha, ye bata, Pia kahan hai? Amma wo play school. What? Aur Karan nahi aaya? हाँ, वो एक्चुअली आउटडोर शूट पे हैं, तो इसीलिए। अच्छा, तो फोन पे बात करा उसे? वैसे भी करण शूट पर फोन नहीं उठाता, ही इज वेरी प्रोफेशनल। टिप्सी, अच्छा हुआ तूने करण से सुलह कर ली, इतनी खुश में इतने सालों में नहीं हुई। अगर तू ये नहीं करती ना, तो मैं मुंबई कभी नहीं वापस आती। इसमें बेबी है? हाँ। ये वहां अंदर कैसे गया? बाहर ना विशाल मौसा जी है ना, उनसे जाके पूछो, ठीक है? ओके। विशाल मौसा।
तू इसे प्रोटेक्ट करने के लिए करण के साथ है क्यों? After what he did to you, Dipsy? बहन, तूने अपने दिमाग में जो भी permutation combination बनाया है ना? तुझे क्या लगता है शेरी? मैं ये सब जानती नहीं हूँ। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों? पेरी माँ को तूने आज तक नहीं बताया कि that Karan was an asshole। वो तो अभी तक यही समझती है कि गलती तेरी है। अच्छा है कि वो समझते हैं कि गलती मेरी है। कम से कम थोड़ी उम्मीद तो बाकी है उनके मन में। अगर उन्हें ये पता चल गया ना शेरी दैट कारण इज द वन हु रॉन्ग मी शी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। वो सीरियसली वो समझती हैं कि अम्मा के मन में मिस्टर खन्ना किसी सुपर हीरो से कम नहीं और मैंने उनकी इमेज अम्मा के सामने कभी टूटने नहीं दी। ठीक है सो व्हाट अबाउट वेद देन? व्हाट अबाउट हिम? एक्चुअली मैंने उन्हें कॉल किया था। बहुत टाइम हो गया उनसे मिले हुए और ऐसे भी फैमिली डिनर है तो मैंने सोचा उन्हें होना चाहिए ना यहाँ पर। ठीक है। वेद, तुम करण से मिले हो? हाँ माँ, दो तीन बार मिला हूँ। उसकी एनर्जी कितनी अच्छी है ना? बताएं, जब से मुझे पहली बार मिला है ना तब से मुझे अम्मा अम्मा कह के बुलाता है। अच्छा टिप्सी, तूने उससे बताया कैसे मेरे बर्थडे पे तुझे सरप्राइज किया था है ना? अम्मा मैं भी था वहाँ पे। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अरे तू तो मेरे साथ रहता है, मेरा सबसे प्यारा बच्चा। चल तू खाना खा, थोड़ा दो। I'm sorry, वेद, तुम मेरी हर बात में unnecessarily drag हो जाते हो। इतना भी lightweight नहीं हूँ मैं कि drag हो जाऊँ। मैं यहाँ हूँ because I want to be here. I was missing you, Tipsy. हिंदी कमाल है, वेरी नाइस टिप्सी। इतना भी कुछ डीप नहीं कहा मैंने। एक्सक्यूज मी, तुम उस चैरिटी केस के साथ हो ना? मिस्टर खन्ना, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आई एम नॉट साउंडिंग लाइक अ जेलस हस्बैंड, आई एम जस्ट योर गिल्टी कॉन्शियंस। सिंपल सा सवाल पूछा है और उसका जवाब भी नहीं दिया तुमने। तुम पक्का उस चैरिटी केस के साथ हो? आज हमें एक प्रीमियर में जाना है, तुम वापस कब आ रही हो? मैं बिजी हूं, नहीं आ सकती। एंड डोंट कॉल मी अगेन। हेलो, गॉड डैम इट, व्हाट इज इट मिस्टर? हाउ डेयर यू हैंग अप ऑन मी? यू विल रिग्रेट दिस, डोंट डू दिस अगेन। आई रियली डोंट केयर। Jesus! वो हमेशा मुझे चुनती है, मुझे पसंद करती है, तो फिर मैं किस बात का इंतजार कर रहा हूं? मैंने अभी तक उसे क्यों नहीं बताया? मुझे उसे बता देना चाहिए। Tipsy, I want to tell you something. हाँ but... मिस्टर खन्ना, हाय पिया, पिया, हाय माय बेबी, हेलो हेलो, हाय गाइस, कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस, हाय अम्मा अम्मा, एक मिनट इधर आओ। अरे पर टिप्सी तो कह रही थी कि तू शूट में बिजी है। अरे आप यहाँ पर आ गई हो, शूट वूट सब कैंसल्ड। वैसे मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, मेरे को मिलना भी नहीं चाहती, मतलब इतने नाराज हूँ। अरे देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि एक बार करण को फोन तो कर दे। वो कहाँ मानती है किसी की बात। अच्छा ठीक है, चल टिप्सी करण को खाना दे दे, खाना खा के चल। अम्मा खाना तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है एंड आई फील कि आपको मिस्टर खन्ना अपना काम इस तरह से छोड़ के नहीं आना चाहिए। आई मीन यू शुडंट बी कैंसलिंग योर शूट। ये देखो अम्मा यार कैसी है। नो नो नो, आपको अपने काम में वापस जाना चाहिए। प्लीज, व्हाई आर यू डूइंग दिस मिस्टर खन्ना? व्हाई आर यू हियर? व्हाई आर यू हियर? बिकॉज़ अगले एक महीने तक तुम किसी और मर्द के साथ नहीं दिख सकते। बाकी सबका अगर खाना हो गया है तो मैं सबको आइसक्रीम के लिए ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलो चले बेटा। प्रिय अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप जाके आ जाइए। ओके विद यू?
चलो। अम्मा आप जानती हैं ना बीपी की दवा मिस नहीं करती। तू घर से मेरे लिए दवाई लेके आया? ऑलरेडी 2 घंटे लेट हैं आप। अच्छा सुन, तू हमारे साथ आइसक्रीम खाने क्यों नहीं चलता? चल चल आ जा, बैठ जा। चले करें। बैठो, हम आइसक्रीम लेके आते हैं, ठीक है? स्ट्रॉबेरी? अभी वो सिंग चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी शो? हाँ, कौन सा खा रहे हैं? We want स्ट्रॉबेरी। What do you want? एक बात पूछूं, कॉर्नेटो या चोकोबार? क्या हो? Are you angry? ये बहुत ही पर्सनल सवाल था। Did I overstep a boundary? वैसे सीरियसली तुम्हारा गेम प्लान क्या है? तुम्हें टिप्सी से इतनी नफरत है तो व्हाई डज इट अफेक्ट यू दैट आई एम क्लोज टू हर? ओ हेलो हेलो, ये लव ट्रायंगल ना सिर्फ तेरे दिमाग में, ओके? जस्ट गेट दैट स्ट्रेट। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे और टिप्सी के बारे में। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम और टिप्सी एक साथ दिखाई नहीं दो, क्योंकि मेरा केस कमजोर पड़ जाता है बिकॉज इट्स ट्रिशा'स वेडिंग। आई डोंट वांट पीपल टू गॉसिप, दैट्स इट। लायर, झूठे, मक्कार, जस्ट सेइंग, लायर हूं मैं प्रोफेशन। लायर, झूठे, मक्कारों को सिंगल आउट कर सकता हूं। इस केस में तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने बहुत सोचा, इतना बड़ा कार्ड था तुम्हारे पास। तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऑपोजिंग लॉयर के साथ कोल्यूड करके तुम्हें फंसा रही, राइट? तुमने इसे यूज क्यों नहीं किया? इट वुड हैव बीन मच मोर सिंपलर एंड क्विकर। बट तुमने क्या चुना? टू प्ले हाउस विद टिप्सी। सबसे इनएफिशिएंट सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। इट वाज अनबिलीवेबल हाउ डेस्परेट यू आर। रात के 11 बजे अम्मा की दवाई का बहाना बना के तुम मुझसे ये सब डिस्कस करने आया हो? आई मीन रियली, गेट टू द फकिंग पॉइंट। द फकिंग पॉइंट इज दैट तुमने टिप्सी को छोड़ तो दिया बट यू कुडंट लेट हर गो। और अब जब वो वापस तुम्हारे सामने आई है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे वापस अपने पास कैसे रखूं, क्योंकि तुम्हारा ईगो इतना बड़ा है कि यू मेड इट अबाउट रिवेंज रादर देन लव। मुझसे तुम्हें इसलिए चिढ़ नहीं है क्योंकि मैं सनम का लॉयर हूं, यू नो इट्स जस्ट अ जॉब फॉर मी, लेकिन तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि टिप्सी वॉज हैप्पी विद अनदर मैन बट आई एम यू स्पेंट हेटिंग हर। She was happy with me. और जब भी तुम्हें उसे देखते हो तुम्हें यही लगता है you know it very well के you have made the biggest mistake of your life. Mistake? उस औरत ने जो मेरे साथ, I was paralyzed. Okay? उस accident ने जो कुछ नहीं तोड़ा ना मुझमें, उस औरत ने वो कुछ भी तोड़ दिया and you think it's a fucking mistake? You know what I don't get? What I don't understand is ये क्या mind control है वो जो जो वो करती है तुझमें? I mean, what is it, man? क्या अट्रैक्शन है तुम दोनों में? हम दोनों के बीच में कभी कुछ ऐसा था ही नहीं। यार राइट, फक ऑफ, बुलशिट। 5 साल पहले तुमने एक बहुत बड़ी गलती की थी, टिप्सी को जाने दिया। पिछले 5 सालों में मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। इन 5 सालों में आई डिड गो आफ्टर टिप्सी बट नाउ आई विल। तुमने क्या बोला कि तुम दोनों में क्या अट्रैक्शन है? कितने डेस्परेट हो तुम ये प्रूव करने के लिए कि 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। आई कैन सी योर डेस्परेशन। और अब तुम चाहते हो कि क्या ऐसा करूं कि सब कुछ वापस से ठीक हो जाए, क्योंकि डीप डाउन यू नो कि टिप्सी कैन नॉट चीट। योर स्लिप इज शोइंग। टिप्सी तुम्हारे पास जा रही थी, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दैट थॉट ऑफ लूजिंग हर, तो एम्पैथी तुम्हारे साथ मुझे सॉलिड है बट आई विल हैव टू डू दिस फॉर मी। बस 15-20 दिनों दिशा की शादी हो जाएगी,
कोर्ट केस तो खत्म हो ही जाएगा, सॉर्ट आउट हो ही जाएगा, और फिर तुम्हें अपना ये ड्रामा खत्म करना होगा। फिर क्या करें, टिप्सी विल लीव एंड देन आई विल नेवर लेट गो। वेद का है वो चला गया, ही जस्ट लेफ्ट। लेकिन भाई इसे यहां क्यों लेकर आए मिस्टर खन्ना? Let her sleep here. वो थकी हुई है और उस कमरे का एसी वर्क नहीं करता। Let her sleep here. मैं बाहर सोफे में सो जाऊंगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। Just answer me one thing. वो डीएनए टेस्ट से तुमने मना इसलिए किया because you wanted to get back to me. I don't know, ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं मुझे? मिस्टर खन्ना ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि पिया उनकी? अच्छा बताओ, और आपने आज स्कूल में क्या क्या सीखा? न्यू वाला ट्विंकल ट्विंकल। न्यू वाला ट्विंकल ट्विंकल मतलब सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल ट्रैफिक लाइट शाइनिंग ऑन द कॉर्नर ब्राइट, रेड मींस स्टॉप, ग्रीन मींस गो। मम्मा पापा को क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, उनकी तबीयत खराब है ना, शायद उन्हें चक्कर आ गया। मैं जाके देखती हूँ, तुम जाके सो जाओ, कल तुम्हारा स्कूल है ना? मम्मा वही तो प्रॉब्लम है, हर रोज स्कूल होता है। पिया जिद नहीं करते, चलो जाके सो जाओ, मामा भी आते। What is wrong with you, Mr. Khanna? आपने कभी सोचा है कि आपको इस ड्रंक स्टेट में देख के पिया पे क्या असर पड़ेगा? तुमने कभी सोचा है कि तुम दोनों की वजह से मुझ पर क्या असर पड़ रहा है? बात को बदलिए मत, छोटी सी बच्ची है वो। वो बच्ची जो आपको अपना पापा समझती है। मुझे भी लगता है कि वो मेरी बच्ची है। आज जब तुम दोनों को एक साथ खेलते हुए देखा तो एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि तुमने कभी सोचा है कि तुम दोनों यहां पर जो मेरे सामने हो, मुझे अगर तुम दोनों की आदत लग गई तो हम क्या करेंगे? सोचा है कभी? सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, सनम अपना केस विथड्रॉ कर लेगी, केस खत्म हो जाएगा और पीआर में यहां से चले जाएंगे। Really? चले जाओ, और मैं अगर तुम दोनों को जाने नहीं दूं तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार ऐसा होता है कि तुम चाहे जो भी करो मेरे साथ, मेरा विश्वास तोड़ो, मेरे इमोशंस के साथ खेलो, चाहे जो भी करो, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। और ऐसा क्यों होता है कि हर दूसरा आदमी तुम्हें मेरे से अच्छी तरह जान लेता है, तुम्हारी वकालत करता है? Maybe because हर दूसरा आदमी मेरी बात सुनता है मिस्टर खन्ना, मुझे समझने की कोशिश करता है, आपकी तरह नहीं। शक
इनसिक्योरिटीज, एक्यूजेशंस, दैट्स इट। एक बात बोलूं, आज भी जब तुम मेरी इतनी करीब होती हो ना, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मेरे हाथ कांपने लगते हैं आज भी। मेरा दिमाग कहता है रन, बट आई जस्ट कांट मूव अवे फ्रॉम यू आज भी। लेकिन मैं ये बात नहीं भूल सकता कि तुमने मुझे धोखा दिया, नहीं भूल सकता। हाँ, एक चीज सही बोली है तुमने, पिया बच्ची, उसके सामने मुझे दारू पीकर नहीं आना चाहिए। जब तक तुम दोनों यहां पर हो मैं दारू नहीं पीऊंगा। मॉर्निंग वॉक पर गई। पापा, मेरा बर्थडे था 2 वीक पहले और 1 ईयर पहले और उससे पहले। आपने मेरा एक भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। सेलिब्रेट कर लेंगे, ठीक है? पिंकी स्वैग। हाँ, पिंकी स्वैग। पिया, तुम कहीं भी छुपी होगी ना पिया, स्कूल जाना पड़ेगा तुम्हें। पिया, क्या आप लेकर आए ना इसे यहाँ पे? अरे खुद चलकर आई है, ये तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। हर बात का बिल मेरे पे मत फाड़ा करो। पिया, कम ऑन, गेट अप, यू गेटिंग लेट फॉर द स्कूल। मुझे आफ्टरनून वाली स्कूल में क्यों नहीं डाला? बताती हूँ, पहले उठो आप, ब्रश करो, आ जाओ, ओ आ जाओ। कहाँ तुम गुम हो जाती हो? ढूंढ रही हूँ मैं तुमको इतनी देर। पिया, सीधे बैठो और खाना खाओ जल्दी, चलो। दोनों चीज साथ में कैसे करो? बहुत बोलने लगी हो तुम, तुम्हारी स्कूल बस मिस हो जाएगी। कम ऑन, फिकर मत करो, मैं इसे स्कूल छोड़ दूंगा। मम्मा बस। अच्छा ठीक है, जो अपना स्कूल बैग लेके आओ। कम ऑन गुड गर्ल, कम ऑन, जल्दी से लेके आओ। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? केस खत्म होने के बाद ये सब कोई मायने नहीं रखेगा मिस्टर खन्ना। इसलिए तो अभी कर रहा हूँ, केस खत्म होने से पहले। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनी इमेज लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। इट्स गुड फॉर मी टू बी सीन विद हर। एक अच्छे पति से ज्यादा एक अच्छा बाप बनकर दिखाना है मुझे। व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम फॉर यू? तुम नहीं चाहती कि ये केस खत्म हो? यू नो व्हाट, यू आर डिस्गस्टिंग। या मेरे लास्ट 4 बर्थडेज मिस किए, यू ओ मी 4 गिफ्ट्स। ओके, डोंट वरी, आई विल गिव यू। अब आप जाओ। बाय बाय पापा, आई लव यू। यू वांट टू हेल्प करण आफ्टर ऑल दैट इज डन पास्ट 2 डेज? यू डोंट गेट इट वेद, कल उसने पिया को शूलेस बांधना सिखाया। उस दिन वो सो गई थी और वो उसे उठा के अपने कमरे में ले गया। पिया इज हिज डॉटर, दे स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर, एनीबॉडी कैन स्पॉट द सिमिलैरिटीज। तुम एक स्टॉकर को ट्रस्ट कर रही हो? आई एम क्लचिंग एट स्ट्रॉज वेद। तुम मिलो ना एक बार रोमिला से, प्रॉब्लम क्या है? उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तो सही है। तुम इस बारे में करण से भी बात कर सकती हो, ही एंड हिज लॉयर विल सॉर्ट इट आउट। वेद, वी आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अ फैमिली। हमारे बीच में कभी कोई ट्रस्ट था ही नहीं। वे
मैं उसे कुछ बोलूंगी भी ना तो वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। वो पता है क्या सोचता है? He believes I'm in love with you. Forget it. Trust me on this, Ved. Sanam is lying. Is it true? Of course she is lying. नहीं, मैं पहली बात पूछ रहा हूँ। Are you in love with me? Of course, Ved, I'm kidding. If you get me out of this situation, I'll be totally in love with you. Open your mouth. Achha, very good, very good, very good. Okay. Good girl. Achha? Yeah. Yeah, beta. Sit there comfortably. Go. Okay, thank you. Thank you, doctor. आ जाओ अंदर करण, ये ऑफिस तुम्हारा ही है। एक मिनट में 5 साल की फ्रेंडशिप पार्टनरशिप सब खत्म कर दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि जोया तुमने ये सब क्यों किया, इतना तो बनता है ना करण। बैकस्टेप होने की आदत सी हो गई। ये तुम्हारी आदत नहीं है, तुम्हें एक्सपेक्टेशन है बैकस्टेप होने की। यू लव टू प्ले अ विक्टिम। ओह माय गॉड, जोया ने मेरे साथ इतना खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया मुझे। तुमने टिप्सी के साथ भी यही किया था ना? Don't bring her into this. Someone told you that she's having an affair. You believed and you accused her. भूल गए that she helped you when you were down and dumps. भूल गए that I helped you when you were down and dumps. तुमने मेरे साथ भी वही किया। You love to use good women and you love to play a victim. You know they say truth is naked. इंसान का इंस्टिंक्ट होता है कि उसे ढांप दो, just cover it up. That's what you did. बर्थडे पार्टी किसके लिए, कहाँ? अरे पिया का और किसका? अरे लगता है पिया और करण तुझे सरप्राइज देना चाहते होंगे, इसलिए तुझे बताया नहीं है। अरे जल्दी आ, तेरी वेट कर रहे हैं हम लोग। चल चल चल। पिया का बर्थडे 2 हफ्ते पहले था मिस्टर। सो दिस इज अ पीआर मूव, अ नाइस फैमिली पार्टी, हैप्पी मोमेंट्स। यू सीरियस? यू यूजिंग अ चाइल्ड फॉर योर पब्लिक इमेज? एक मिनट, ये सारा आइडिया तुम्हारी बेटी का था, ओके? And the only reason I said yes and organized everything is to get her off my back. बिल्कुल तुम पर गई है वो. She puts the nag in Nagarajan. Nagging तो आप भी कम नहीं है. जरूरी नहीं है कि हर बुराई मुझसे है. Okay, you know what? तुम्हारी बेटी की बर्थडे पार्टी है. माँ का फर्ज बनता है कि बेटी की खुशी में शामिल हो. So can you go get शामिल, please? मम्मा चलो केक काटते. हाँ चलो 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 चलो. We are celebrating our daughter's birthday. So if you don't mind, fuck off. आप मेरे ऑफिस में घुसी हैं, मैंने आपको डरा दिया। कॉफी पियेंगे आप? कॉफी विदाउट कलर? ठीक है चलो दे दो। थैंक्स। यस वेरी हॉट लाइक करण, और इस टॉपिक की जैसी दैट आई एम गोना टेल यू अबाउट। देखो ये है वो चुड़ैल जो इस डायन के साथ मिलके इस कुत्ते को। हेलो चुड़ैल दिव्या, डायन सनम, कुत्ता अरे करेक्ट। बैंग ऑन ब्रदर।
मतलब आपको इस चुड़ैल पर शक कैसे हुआ? देखो मैं और अब दिव्या पे शक कैसे हुआ? मैं समझा रही हूँ ना, दीदी और मैं वी आर टीम कर, ओके? जिस तरीके से हम करण की तरफ देखते हैं और कोई नहीं देख सकता। 16 साल हो गए, 16 साल। तो आपको बुरा नहीं लगता करण और टिप्सी को साथ देखकर? इसमें बुरा लगने की क्या बात है, गलती तो सब मेरी ही है। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं बहुत शाय किस्म की लड़की हूँ ना, इसलिए स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार सबसे पहले मैं करती थी, लेकिन जब ट्रेन स्टेशन पे आती है तो कोई और चढ़ जाता, कभी राधिका, कभी दीदी, कभी ये, कभी वो, कभी, और मैं शर्म के मारे वेटिंग रूम बन के रह गई, रह गई, रह गई, रह गई। Maybe I should confess too. मैं टिप्सी की लाइफ में सिर्फ एक वेटिंग रूम बनकर नहीं रहना चाहता था, मुझे उसे बताना जरूरी था कि I loved her. करण खन्ना फैमिली मैन 189 स्टोरीज। करण खन्ना की बेटी ने मुंबई में शादी करने का डिसीजन लिया है। 121 आर्टिकल्स, वाओ। करण खन्ना मोलेस्टेशन केस 157 आर्टिकल्स। कैन यू गेट अ लिटिल लेस सार्कास्टिक, क्योंकि मैंने वही किया जो तुमने कहा था। उसका क्या फायदा हुआ? सो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, तुम्हारे पास एक काम था, उसे जेल में डालना। हाउ डिफिकल्ट वॉज दैट? गेट आउट, आउट। व्हाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन लिविंग इन अ होटल जब घर है? I've kept everything ready at home. Please, घर। Let's not pretend to be this happy postcard family. हम ये game already खेलकर try कर चुके हैं ना? And we realize that we are really bad at this. Why are you bringing up the past, Trisha? Let's not get into the past, Mr. Khanna. और वैसे भी, ये शादी तो आपके लिए एक media event है ना? Just to cover up your molestation charges. What are you saying? I'm happy that you're here. I'm happy that you're getting married. Please, Mr. Khanna, I really don't care. मम्मा चाहती थी कि आप मेरा कन्यादान करिए, दैट्स व्हाई वी आर हियर। लेट्स नॉट ओवरस्टेप द बाउंड्रीज। अब मैं चलूं, मुझे जैसे मिलना। एक एक मिनट, इतने सालों के बाद मिल रहे हैं, एटलीस्ट सिट विद मी फॉर सम टाइम। जय के बारे में थोड़ा तो बताओ मुझे। जय माय बिजनेस पार्टनर, हिज फैमिली इज बेस्ड इन द यूएस, कम्स फ्रॉम अ लॉन्ग लिनेज ऑफ आर्किटेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। ही लव्स मी। मम्मा चाहती थी कि शादी इंडिया में हो, दैट्स व्हाई वी आर हियर। जय यहाँ होगा ना शादी के एक दिन पहले। आपको अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको टेक्स्ट कर देती हूँ। आपको चाहिए होगा ना इंटरव्यू के लिए, इसलिए आप मुझसे बात करना चाहते थे। एम आई राइट? लिसन, आई केम हियर बिकॉज मॉम वांटेड मी टू। डजंट मीन दैट आई हैव टू डील विद ऑल ऑफ दिस, ओके? एनीवे, मॉम कुछ लास्ट मिनट शॉपिंग करने के लिए गई है, तो इफ यू वॉन्ट आप उनका यहाँ पे वेट कर सकते हैं। I don't know how to handle this. कल मिस्टर खन्ना ने पिया के लिए बर्थडे पार्टी रखी थी, उसके बर्थडे के 2 हफ्ते बाद, उसके सारे दोस्तों से मिलने के लिए, उनसे दोस्ती करने के लिए। Everyone was so happy. अम्मा was happy, पिया was happy, मिस्टर खन्ना was of course very happy. लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये सब, I mean I didn't expect this to go this far. अब मुझे लग रहा है कि I've messed it up again. Don't worry, Tipsy. हम लोग sort out कर लेंगे. But we have a bigger problem in hand. Romila जो photographs लेकर आई थी वो काफी नहीं है. I mean, yeah, gives me a new strategy. Maybe वो काम करेगी, maybe नहीं. लेकिन दिव्या, जोया की पीठ के पीछे आर्यन से बार-बार मिल रही है. Isn't that a big thing? दिव्या करण की manager है. सब एक ही industry में काम करते हैं. वो आर्यन से मिल सकती है. उसे court में करण के फेवर में एविडेंस की तरह प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। आई विल नीड मोर। मैं सनम से मिल रहा हूँ आज, सो डोंट वरी। यू डोंट गेट इट वेद, तब तक मैं क्या करूँ? यू ट्रस्ट मी टिप्सी? ऑफ कोर्स आई डू। जस्ट लिसन टू मी, जो करना मैं करूँगा, यू ब्रीद इजी, ओके?
मैं चलती हूँ। गुड इवनिंग। आई गेस यू हैड अ गुड मॉर्निंग। आप मुझे एक बात बताइए, इज इट प्रोफेशनली एंड मॉरली करेक्ट ऑन योर पार्ट टू बी क्लोज टू करण्स वाइफ? सनम, मैंने हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट रखी है। मेरी और टिप्सी की फ्रेंडशिप कभी भी इस केस के बीच में नहीं आएगी। पर मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप है। आई एम वरिड, क्योंकि जो आपकी सो कॉल्ड फ्रेंड है ना, जब से वो करण की सपोर्ट में आई है, लोग मुझे विक्टिम से चालू लड़की बुलाने लगे हैं। डू यू अंडरस्टैंड चालू लड़की? ये देखिए, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में जो नैस्टी कमेंट्स आ रहे हैं वो देखिए। I'm not good. I'm troubled. और वहाँ पे करण, he's playing family, family, happy family. Sanam, it's really unfair. पहले वो मुझे insult करता और आज मेरे पास movie तो बहुत दूर की बात है, एक ad नहीं है मेरे हाथ में. Trust me, I feel suicidal. Yeah, I was thinking that you're going to ruin him. Ruin? Sanam, उसने तुम्हें molest किया, right? Suddenly, मुझे ये केस सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं बल्कि रिवेंज के लिए किया गया है, ऐसा लगता है। तुम्हारी सिंपैथी किसके तरफ है? हाँ वैद, तुम्हारी गर्लफ्रेंड डॉक्टर नागराजन, राइट? एक्चुअली पता है क्या, गलती मेरी है। आई शुड हैव हायर अ बेटर लॉयर। तो तुम्हें मुझसे बेटर लॉयर नहीं मिलेगा। सनम, तुम मेरी क्लाइंट हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा इवन इफ यू कमिटेड अ क्राइम, बट तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। और रही बात करण को जेल भेजने की, वो मुझे भी करना है मेरे लिए। I love Tipsy. और वो फ्री होगी जब करण को जेल होगी। So trust me, I will put him behind bars. So it's better we work together. अगर तुम सही हो तो I'll help you put that man behind bars. कोर्ट ने अपना जजमेंट तक पास नहीं किया। And you guys have already decided to throw me out of this project. How can you do it? She has just signed the contract. It will reflect badly on her career. Will reflect badly on our product as well. So please try to understand. Aap compensation ka signing amount rakh sakti hain. Compensation? Kaun kara raha hai ye sab? Karan na? He's the one. Mujh pe pressure dalne ke liye yehi sab kar raha hoga. Par usse kya lagta hai? He'll try to destroy my career and I should just let it be. I will sue you guys. I will see you guys in the court. हाँ, और एक बात, अपने करण को जाके कहना कि इस बार उसने पंगा ना गलत लड़की के साथ ले लिया है। मैं दिखाऊंगी उसे मैं हूँ कौन। इस बार ना। Let's go. इस बार उस I am not done yet. I am. Sanam. You can't behave like this in public. Please. पांच साल की है। हाँ, यही सही रहेगा। यू कम ओवर एंड देन तुम लोग दोनों डिसाइड कर सकते हो कैसा रहना चाहिए इंटीरियर। थैंक यू, बाय। माय इंटीरियर डेकोरेटर, वो घर आने वाली है टू डिजाइन पियास रूम। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है मिस्टर खन्ना। जस्ट टू रिमाइंड यू, ये सब कुछ टेम्प्रेरी है। एक बार केस ओवर हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। केस का मामला है, कोई प्रोडक्ट नहीं ऑफर हो रहा है जो एक हफ्ते के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। केस कब खत्म होगा किसी को नहीं पता है। As per Ved, very soon. What is this as per Ved? You know what? You guys sleep here. मैं गेस्ट रूम में सो रहा हूँ। I have calls to make and prep to do. As per Ved. I love you, Tipsy. वेद, क्या हुआ टिप्सी? दो शर्ट्स मिसिंग है तुम्हारी। हाँ, तो ये लॉन्ड्री में आई होगी ना? नहीं आई ना लॉन्ड्री में, मैंने चेक कर ली तभी बोल रही हूँ। एक तो तुम्हारा ये लॉन्ड्री वाला चोर है और ये किसकी शर्ट है? ये मेरी नहीं। सीरियसली, तुम्हें अपनी और दूसरों की चीजों में फर्क ही नहीं पता कि कौन सी तुम्हारी है कौन सी किसी और की? You're right, टिप्सी।
यही मेरी प्रॉब्लम है, मुझे अपनी और दूसरों की चीजों में फर्क नहीं पता चलता, इसीलिए लोग लेकर चले जाते हैं। और तुमने यहाँ पे मुझे आज पूरे दिन काम करने के लिए बुलाया क्या? You told me कि लंच के लिए आ जाओ, जब से आई हूँ काम ही कर रही हूँ। By the way, बनाया क्या है तुमने? Because मैं वेजिटेरियन हूँ और तुम्हारा ऑमलेट ना पिया को पसंद है। चल कर देख लो। बहुत दिन हो गए ना ऐसे खाना खाए। You were telling me I was missing good old days. इसलिए लंच के लिए घर पे बुलाया। चीजी। क्या? तुम्हारे ऑमलेट एक्स्ट्रा चीजी होते हैं, बिल्कुल तुम्हारी बातों की तरह, इसीलिए पिया को पसंद है। But honestly, good old days. 25 दिन हो गए हैं वेद, आई नीड टू कम बैक नाउ। कल सनम के साथ बात करते लग रहा है कि इट विल बी सून। क्या कह रही थी? लाइंग अगेन? मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो सीधे सीधे मुझे थोड़ी ना बोलेगी कि वो करण को फंसा रही है। मैंने उसे कन्फ्रंट किया तो उसने लॉयर बदलने की बात कर दी। आई विल हैव टू प्ले इट सेफ। आई नो वो झूठ बोल रही है एंड वी आर वेरी क्लोज टू फाइंडिंग इट आउट। घर जा रही हूँ, थोड़े से कपड़े पैक करके रखने हैं। थैंक्स फॉर द लंच। आई लव यू टिप्सी। आपको समझ में नहीं आ रहा मिस्टर खन्ना, मैं आपको बोल चुकी हूँ जब तक मेरा काम यहाँ खत्म नहीं हो जाता मैं वहाँ नहीं आ सकती। क्या काम? सफाई कर रही होगी तुम वहाँ पर, जब तक हाथ पे झाड़ू नहीं आ जाता विड्रॉल कॉम्प्लेक्स हो जाता है तुम्हें। जो कुछ भी करना जल्दी करो, मैं 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ तुम्हें पिकअप करने। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे मिस्टर खन्ना। बाय। आई डोंट बिलीव दिस। रियली? ये मैंने 1 महीने पहले बोरो किया था। सीरियसली? ये लौटाने आए हो? एक्चुअली नहीं। वेद, शक्कर लौटाने आए हो और बिना लौटाए जा रहे हो। आई जस्ट डोंट गेट यू। एक्चुअली आई वांट यू टू गेट मी, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, एवरीथिंग अबाउट मी। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम खुद जान जाओ कि मैं बहाना बना रहा हूँ। मैं शक्कर लौटाने नहीं, आई लव यू बोलने आया था। व्हाट? आई लव यू टिप्सी, बहुत पहले से, लेकिन बोल आज रहा हूँ। आई नो योर लाइफ इज इन मेस और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारी लाइफ अभी। तुम मिस्टर करण के साथ अपना मेस क्लीन अप कर रही हो और ऊपर से ये केस, टेक्निकली आई एम अगेंस्ट यू इन दिस केस, बट केस सॉल्व हो जाएगा एंड थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। मुझे नहीं पता टिप्सी के करण के साथ रहकर अगर तुम्हारा मन बदल गया हो तो, बट आई लव यू टिप्सी। जब भी मैं तुम्हें उसके साथ देखता हूँ तो सोचता हूँ कि यू मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ by falling in love with that cat. मैं सोचता हूँ कि just give us a chance. Actually, even I want to give us a chance. I'm serious. Mr. Khanna ने blackmail करके ये जो कुछ भी किया है, you're right actually. मेरी गलती है जो मैं उनके पास वापस चली गई। इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, मिस्टर खन्ना ही इज माई बिगेस्ट मिस्टेक और मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। प्यार तो क्या, मैं उनकी इज्जत भी नहीं करती। लुक एट द वे ही इज बिहेव्ड। मुझे जो कुछ भी कर रहे हैं एक बार समझ में आता है, लेकिन ही इज ड्रैग पिया इन टू ऑल दिस एंड आई हेट हिम फॉर दैट, बट एटलीस्ट आई एम ग्लैड कि Pia is not his daughter. And I'm happier that Pia and I, we both have you. Really, so I also want to give us a chance.
थैंक यू सो मच. थैंक गॉड बचा लिया मुझे. परफेक्ट टाइमिंग, नहीं तो पता नहीं क्या हंगामा होने वाला था. वैसे यू थिंक मिस्टर खन्ना वाज कन्विंस्ड कि पिया उनकी बेटी नहीं है? आई थिंक ही वाज द वे ही लेफ्ट, है ना? एक सजेशन दो, ये लॉ वॉ छोड़ के ना एक्टिंग शुरू कर दो. इतनी कन्विंसिंग एक्टिंग की तुमने कि मुझे सच में लगा मुझे प्रपोज कर रहे हो. अगर मिस्टर खन्ना की जगह तुम एक्टिंग करते ना तो उनसे कहीं बड़े सुपरस्टार होते. Damn, Karan. You ruined things again for me. शायद गलती मेरी ही थी कि मैं सोचने लगा कि पिया मेरी बेटी है. मुझे थोड़े वक्त के लिए लगने लगा कि शायद वो मुझे अभी भी प्यार करती है, बट नहीं, वो मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकती. ये सब सिर्फ एक नाटक था. त्रिशा, तुम यहां क्या कर रही हो और वो भी इसके साथ? प्लीज मिस्टर खन्ना, डोंट क्रिएट अ सीन. यू Want some? Trisha, 4 days में तेरी शादी है. I mean, what are you doing? ये रोहन वही लड़का है ना जिसके साथ तूने शादी तोड़ी थी? आप ही की वजह से. तो why are you marrying Jay? I mean, कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साइड पर, तू मुझे सब कुछ बता सकती. वही तो प्रॉब्लम है कि आप मेरे साइड में हैं. Come on, अच्छा बताओ तुम क्यों शादी कर रही हो जय के साथ? अब क्या तुम खुश नहीं हो? जय के साथ शादी इज एस्केप रूट, वरना लोग जिंदगी भर पूछते रहेंगे कि तुम शादी कब करोगी, शादी कब करोगी. एनीवे प्लीज लिसन, बट जस्ट डोंट टेल मम्मा. ओके, आई वोंट टेल मम्मा, पर तुम सुन रही हो कि तुम क्या बोल रही? ये कोई शादी करने का रीजन नहीं हो सकता. शादी कोई मजाक है क्या? इट रिक्वायर्स नर्चरिंग, लव, ऑनेस्टी, ट्रस्ट. व्हाट आर यू डूइंग यार? अच्छा, जैसे आपकी और मम्मा और आपके और डॉक्टर नागराजन की थी, राइट? प्लीज मिस्टर खन्ना, यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू टॉक टू मी अबाउट रिलेशनशिप्स. आफ्टर ऑल मैं आपकी बेटी हूँ. हाँ, आप आपके जीन्स मुझ में होंगे, वी आर इन द सेम जीन पूल. आफ्टर ऑल मैं आपके ही जैसी हूँ, अल्कोहलिक, स्क्रूड अप, मेस्ड अप, राइट? Trisha, listen to me. Please यार, तू don't get married just to get back at me. Please, for God's sake. कितने डिल्यूशनल है मिस्टर खन्ना. आपको लगता है कि सब कुछ आपके बारे में ही है ना? गॉड. और रही बात लाइफ रुइन होने की, तो वो ऑलरेडी हो चुकी है. आई वॉज बॉर्न टू यू, लेकिन पापा हमारी लाइफ में आए और उन्होंने मम्मा और मुझे संभाला. आपको सेकेंड चांस चाहिए था ना, और आपको मिला. बिकॉज करण खन्ना ऑलवेज गेट्स वॉट ही वॉन्ट्स. पापा पास्ट अवे, बट तब तक यू आर ऑलरेडी मूव्ड ऑन. You got yourself a brand new wife and a new child. मैंने आपके साथ at least कुछ साल गुजारे, but आपकी बेटी, poor girl. Mr. Khanna, you are like acid. आप जिसके contact में आते हैं, वो damage और disfigure हो जाता है. आपने हमारे साथ भी वही किया और आप अपनी नई family के साथ भी ऐसा ही करेंगे. You know what, Mr. Khanna? Congratulations. You ruin it for everyone. सर, ये आपके लिए. ठीक है, जाओ.
पता है ना ये इल्लीगल है। Yes. Truth has a funny way of coming out, doesn't it? तुम जानती थी और फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। I loved you so much, Mr. Khanna, that it hurt me कि आपने मुझ पे शक किया। 5 साल, for 5 fucking years, तुमने मुझसे नहीं बताया कि पिया मेरी बेटी। मैंने बताया था, आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। तो तुम और कोशिश नहीं कर सकते थे? You couldn't have tried just a little bit harder. तुमने तो DNA टेस्ट करने से भी रिफ्यूज कर दिया था। हाँ, रिफ्यूज किया, लेकिन क्या हुआ? You got it done anyway. What the fuck do you think? What the fuck do you think? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पीठ पीछे मैंने जानबूझकर टेस्ट करवाया है? And that doesn't matter. That is rich coming from somebody like you after what you have done. हाँ, मैंने गलती की मिस्टर खन्ना, लेकिन आप कुछ और ही सोच रहे थे। I was just working for that man. I didn't care for him. Party में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी मैं बताने आई थी that I am pregnant with our child. I wanted to tell you, but you were in so much pain, Mr. Khanna. आप कुछ और ही सोच रहे थे। आप नहीं मानते मेरी बात। और self respect मेरा भी है। बार बार आपको ये convince करना कि आपका ही बच्चा है, आपका ही बच्चा है, मैं नहीं कर पाई वो सब। खन्ना, जो कुछ भी हुआ मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूं, बट दिस इज नॉट ऑन मी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज नॉट ऑन यू। आई एम टॉक्सिक। मैं अपनी जिंदगी का हर रिश्ता बर्बाद करके ही रखता हूं। कुछ लोगों की तकदीर में लिखा होता है कि वो अकेले ही जिंदगी जिएंगे, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं। दे रियली वर्क हार्ड एट लिविंग अलोन। मैं उन लोगों में से हूं। मेरी जिंदगी में चाहे जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हों, मेरे करीब आना चाहते हों, मैं उन सबको अपने से दूरी करता हूं। एक्चुअली जो हुआ वो अच्छा हुआ। अगर पिया मेरे पास होती तो मैं पता नहीं क्या। तुम उसके साथ जाना चाहते हो? You want to be with that man. You deserve it. You deserve to go away from me. I will not make the mistakes I made with Trisha, with Pia. I'm now not going to interfere in your life ever again. You and Pia both deserve much better than me. I'm sorry for everything. Apne bag pack karo. मेरा ड्राइवर तुम दोनों को घर छोड़ दे। जाने को कह दिया, जस्ट लाइक दैट। टिप्सी, क्या हुआ टिप्सी? प्लीज टिप्सी, अब सब बातों का पोस्टमार्टम मत करो। तुम भी तो यही चाहती थी ना?
हाँ। तो फिर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा है, but I'm feeling very low. पता नहीं क्यों। देखो टिप्सी, जो तुम फील कर रही हो ना, उसे सीधे साधे शब्दों में एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं। इतने सालों से तुमने करण का हवा बना के रखा हुआ था कि अगर उसे पता चलेगा तो मेरी बेटी को उठा के ले जाएगा, आई विल बी लेफ्ट अलोन। आज तुम्हें रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। फॉरगेट इट वेद, इट्स नॉट वर्थ इट। Yes. Karan, I'm really sorry. मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। I'm really sorry. मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। But please, please for God's sake. Okay. Calm down. हाँ तो। टीवी देखना बंद करो, जल्दी से दूध फिनिश करो, स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो। मुझे पापा के घर जाना है। वो तुम्हारे पापा नहीं है और तुम्हारा घर ये है, कम ऑन नाउ। मेरे सारे गिफ्ट्स भी वही रह गए, मैं भाग जाऊंगी। देखना पिया, सनम मेहता फाउंड डेड। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक करण खन्ना सनम से कल रात मिलने गए थे और आज सुबह जब मेल ने दरवाजा खोला तब उनकी डेड बॉडी पाई गई, और इसलिए सनम की मौत का सीधा शक करण खन्ना पे जा रहा है। शांता, मुझे कहीं जाना है, तुम इसको दूध पिला के स्कूल छोड़ देना और मुझे कॉल करना। मामा जा रही हो क्या? कॉल सी लिया भाई, दूध फिनिश करना। ओके हाँ हाँ, आई एम रीचिंग। यस ओके, ठीक है वेद। हाँ वो एक कॉपी दे देना नितिन को। यस वेद, वो लोग मिस्टर खन्ना को ब्लेम कर रहे हैं। टिप्सी, यू डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। मिस्टर खन्ना ने नहीं किया ये सब। टिप्सी, कॉल रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं कि करण से उसने बात की थी। प्लीज अभी कुछ भी मत सोचो, लेट सम मोर इन्फॉर्मेशन कम इन। नहीं वेट, प्लीज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, प्लीज। टिप्सी, हेलो व्हाट? करण ने क्राइम कन्फेस कर लिया है। आपने उसे ऐसा क्यों करने दिया? मैंने तो कोशिश करके देख लिया, why don't you try and convince her? सनम मेरी क्लाइंट थी, how will it look अगर मैं ऐसा करूंगा? Open you at least file an insanity plea. Sir, he has rejected legal counsel, और अब तो पुलिस भी बाहर ही खड़ी है। Why are you doing this, Mr. Khanna? आपने कहा था कल रात आप हमारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। You let Pia and me live peacefully now. You think आपके ऐसा करने से हम लोग शांति से जी पाएंगे? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? जो आपने किया नहीं वो क्यों कन्फेस कर रहे हैं मिस्टर खन्ना? You know what? This is your problem. हर बार यही करते हैं आप, अपनी जिद। जरा सा कुछ हुआ नहीं and you go on a self-destructive path. 5 साल पहले मैंने करने दिया था आपको, this time I'm not let you go.
What the hell is your problem here, Tipsy? I can't understand what the fuck your problem is. I let you go last night. और तुम नहीं गई। जब भी मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, तुम नहीं जाती हो। I don't know why the fuck you can't leave me. Even if it's the worst decision of your life, you just don't leave me. I don't know why you do this. जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, you should have walked away from me. You didn't. When I started drinking again, you should have walked away from me. But you didn't. When I started becoming a monster to you, you should have walked away from me. But the first time I said I love you, you should have walked away from me. वो प्यार करता है तुमसे. He really loves you. He'll take care of you. He'll take care of Pia. You need to walk away from me. Please. You need to walk away from me. Tripura Sundari Nagarajan, I love you. You're my Suraksha Kavach. Nothing matters because you're with me. Then you don't have to worry about anything. Because I'll always be with you. Promise? रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि सनम ने 3 बार कॉल किया था करण को। पुलिस की इनिशियल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पॉइंट मोर टुवर्ड्स मर्डर रादर देन सुसाइड। इट्स अ वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी पिछली बार की तरह, क्योंकि सनम की डेथ से सबसे ज्यादा फायदा तो करण को ही हो रहा है। एक्सक्यूज मी। अगर सनम को मैंने नहीं मारा है, तुमने नहीं मारा है, तो फिर किसने मारा? क्या कर रही हो? पुलिस को कॉल कर रही हूँ। पुलिस को क्यों फोन कर रही हो? देखो दिव्या, हम में से किसी ने सनम को नहीं मारा ना, तो फिर टेंशन क्यों ले रही हो? रिलैक्स आर्यन, पुलिस की कोर्ट, ये सब इट्स नॉट दैट इजी। अगर किसी को भी इस बात की खबर तक हुई कि हमने सनम से करण के खिलाफ झूठ बुलवाया है, तो अगर हम नहीं बताएंगे तो किसी को कैसे पता चलेगा? टिप्सी, मैंने करण के लॉयर से बात की है। इट हेल्प्स यू नो, क्योंकि मैं सनम का लॉयर हूं। टिप्सी, करण को कुछ नहीं होगा। वेदा, आई एम हैविंग अ बैड हेडेक। मैं बॉम्ब लेकर आता हूं। We'll be right back.
तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। करण को कुछ नहीं होगा टिप्सी, उसने खुद ही कन्फेस किया, लेकिन आई विल आर्ग्यू अगेंस्ट इट, क्योंकि अगर किसी गलत इंसान को सजा मिल जाएगी तो सही क्रिमिनल तो बच जाएगा ना। डू एनीथिंग भी, जस्ट सेव हिम। आई कांट लेट दिस हैपन टू हिम। कुछ नहीं होगा टिप्सी, डोंट वरी। ऑफिस से मैं जाऊं। सनम मेहता केस में नया मोड़। आज सुबह करण खन्ना ने खुद अपना गुनाह कबूल किया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब जब सारे सबूत उनके खिलाफ हैं, तो उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। सुनने में आ रहा है कि अब उन्हें कम से कम 10 साल या उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। Didn't go as we planned, right? I will fix it. Luckily, Upmanyu meri baat sunta hai. He trusts me completely. Tipsy ko pata to nahi hai ki tum ye sab uske liye kar rahe ho. Tum pagal ho gayi ho. Just keep her away from all this. Kal raat ko wo wapas aa gayi thi. Isiliye Karan ke paas koi alibi bhi nahi. But don't worry. There's nothing to worry. So want you to be right with. I will be. Wait and watch. Not you. Drinking and driving. Not allowed. Tumhe to license bhi nahi milega. Wait. Excuse me. Mr. Khanna. Mr. Khanna wahan hai. Aap mil sakti hain. क्यों आई हो? जब से तुम चले जाओ यहाँ से। सखना, सनम का मर्डर आपने नहीं किया है। फिर क्यों आप खुद को पनिश कर रहे हैं? दिप्सी, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। आपको सुनना पड़ेगा मिस्टर खन्ना। यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। यस, यू आर टॉक्सिक। आप खुद को पिया से और मुझसे दूर ले जाना चाहते हैं। आई नो त्रिशा की शादी से सिर्फ 5 दिन पहले आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद को हर उस इंसान से दूर ले जाना चाहते हैं जो आपसे प्यार करता है या जिससे आप प्यार करते हैं। 5 साल पहले जब आपने ये किया था, मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं आपसे दूर चली गई। मैंने हार मान ली थी, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। और मैं ना हारूं, इसके लिए आपको लड़ना होगा मिस्टर खन्ना। मेरे लिए, पिया के लिए, अपने लिए। आई प्रॉमिस यू मिस्टर खन्ना, कि आप अपनी बेटी की जिंदगी में एक बार फिर आएंगे। In fact, दोनों बेटियों की जिंदगी में। You know what? इतने साल आप और मैं, हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। But this time, it's going to be our fight. Both of us.
guess though.